अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में है ना? वैसे ये जिंदगी चल इसी कनेक्शन से रही है। हर चीज़ की एक दूसरे से कनेक्शन होती है, हर इंसान की एक दूसरे से कनेक्शन होती है, और एक दूसरे की चीज़ें जब भी ज़रा सी रस्टी हो जाती हैं दूसरे को भी इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको याद है सानिया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ था। वो गम, वो दुख, वो तकलीफ सिर्फ उन बच्चों के माँ बाप ने ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी माँ बाप थे पाकिस्तान के, उन सब ने उठाई थी। एक गम की लहर, एक दुख सा तारी हो गया था पूरे मुल्क पे। उसी तरह जब एक उंगली में तकलीफ़ होती है, आपकी एक उंगली कट जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है बॉडी के किसी भी हिस्से में, आपको पता है कि उसकी वजह से पूरी बॉडी इफ़ेक्ट करती है। इन्फेक्शन की वजह से आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और बहुत सारे सिम्टम्स आपको पता चल जाते हैं उस बुखार की वजह से कि आपको इन्फेक्शन हुई कहाँ है। तो एक छोटी सी आपकी बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी मुतासर हो सकती है अगर एक छोटी सी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो। उसी तरह जब बारिश होती है और कोई सड़क जो है उस पर पानी भर जाता है, वहाँ से ट्रैफिक जो है वो दूसरी तरफ कन्वर्ट होती है, तो पूरे शहर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है और एक सड़क की वजह से पूरे शहर की सड़कों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक कनेक्शन हर चीज़ की दूसरे से होती है। अब देखिए, अगर आप रिश्तों को ले, किसी एक घर में शादी होती है, यानी खुशी की बात अगर मैं करती हूँ, किसी एक घर में शादी होती है तो पूरा ख़ानदान उस घर में जमा होता है, रथ जगे हो रहे होते हैं, सबकी ही नींदें या आप कह लें मज़े की वजह से ख़राब हो रही होती हैं, सब इन्जॉय कर रहे होते हैं, सबकी जो डिसिप्लिन है वो ख़राब हुआ होता है, देर से सोना, देर से जागना, हल्ला गुल्ला, फिर साथ साथ फिक्रें भी होती हैं कि है कोई कमी ना रह जाए शादी में, फिर कल को हमारी बेटी को जाके बातें ना सुननी पड़े ससुराल में। ऐसा ही होता है यार आम घरों में तो। और साथ इसीलिए हर कोई अपनी तरफ से बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है कि माँ बाप को, बेटी के माँ बाप को ख़ास तौर पर स्पेशली जो है वो ज़रा अकोमोडेट कर सके, उनको हेल्प आउट कर सके। और इसी तरह जब घर में कोई एक शख्स बीमार होता है तो वो एक शख्स बीमार नहीं होता, पूरा घर मैं कहती हूँ बीमार हो जाता है। उसी जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो आप कहते हैं नहीं नहीं ऊंची आवाज़ में टीवी ना लगाओ, वो डिस्टर्ब होंगे, वो सो रहे हैं तो उस लाइट बंद होनी चाहिए क्योंकि एक बुज़ुर्ग है उसको जल्दी सोना है, तो वहाँ मौजूद जितने भी कमरे हैं उनकी लाइट बंद होनी चाहिए। तो एक इंसान की वजह से आपको अपने पूरे घर का डिसिप्लिन, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी वजह से अगर शादी में पूरा घराना जा रहा है, नहीं, किसी एक दो को रुकना पड़ता है क्योंकि उसके साथ कौन रहेगा। तो ये एक दूसरे की कनेक्शन होती है। और कोई अगर बीमार होता है तो हर घर में हर फर्द अपनी अपनी तरफ से उसकी तीमारदारी कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरी अम्मी हॉस्पिटलाइज हुई थी, बीमार हुई थी, और वो ज़ाहिर है लंबे अरसे तक भी हॉस्पिटल में रही थी, तो सिर्फ उनके घर में उनको तकलीफ नहीं थी बल्कि मैं भी अपने बच्चों को छोड़ के हॉस्पिटल में रहा करती थी, फिर मेरी दूसरी बहन, मतलब हम तीनों बहनें जो शादीशुदा हैं वो अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ हॉस्पिटल में रहा करती थी, अलग अलग ड्यूटीज़ दिया करती थी, तो क्या हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारा घर भी मुतासर हो रहा था। तो एक दूसरे की कनेक्शन होती है चाहे आप कुछ भी कर लें। और अभी अगर आप कहें कि एक शख्स को कोरोना हुआ है एक घर में, तो पूरा घर मुतासर होता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी मिसाल दी थी कि हम घर में हम तीन लोग थे जिनको कोरोना हुआ था, लेकिन पांच छह लोग और थे हमारे घर में जो कोरोना के पेशेंट्स नहीं थे, मगर वो भी 14 दिन घर में बंद रहे थे क्योंकि रूल है हमारी सोसाइटी का ये कि जो भी कोरोना पेशेंट है उनके घर वाले भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसी तरह तीमारदारी, खाना, अगर परहेजी खाना बन रहा है कि हाँ भाई मेरी सास जब जिंदा थी तो वो ज़्यादा नमक का खाना नहीं खा सकती थी, तो हमारे यहाँ खाना जो बनता था वो कम नमक में बनता था जबकि हमारा टेस्ट ज़्यादा नमक का था, फिर हम ऊपर से नमक डाल लिया करते थे, लेकिन खाना उनकी वजह से कम नमक का बनाया जाता था क्योंकि हमारे घर का एक अहम शख्स है जो ज़्यादा नमक नहीं खा सकता। तो ये हर कोई एक दूसरे के लिए इसी तरह की छोटी छोटी कुर्बानियाँ, सेक्रीफाइसेस देता है और इसी का नाम ज़िंदगी है। यही सेक्रीफाइसेस, यही कॉम्प्रोमाइजेस, यही कनेक्शन आपकी ज़िंदगी बनाते हैं क्योंकि फैमिली सबसे ऊपर है। ये वीडियो किसी शादी की नहीं है, ये खुशियाँ पूरा ख़ानदान इसलिए मना रहा है क्योंकि उनके घर का बेटा
कोरोना से रिकवर होके हॉस्पिटल से घर वापस आया है। तो ये हैं जी खुशियाँ जो सेलिब्रेट करी की जा रही हैं, उसको दूसरी ज़िंदगी मिली है। ये यूके की एक फैमिली है और सोचिए उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तानी तरीके से ढोल वोल बजा के एहतमाम से अपने बेटे को वेलकम किया है, क्योंकि वो कोरोना रिकवर्ड पेशेंट है। इसी तरह होता है जब आप इस मौलिक बीमारी से, जिससे आप बहुत डरते भी हैं, जिससे आप बहुत खौफजदा भी हैं, और वाकई ये कुछ लोगों के लिए बहुत मौलिक बीमारी है, मगर कुछ लोगों की सिर्फ एक फ्लू जैसी बीमारी है। ये मुझे जो लग रहा है वीडियो देखने से कि ये वाकई बहुत सिवियर हालत में थे और अब घर वापस आए हैं। यही मैं बताना चाहूँगी कि रुबीना अशरफ साहिबा हमारी बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, बहुत महारत से अपना काम दिखाती हैं स्क्रीन पर, और साथ साथ बहुत अच्छी डायरेक्टर भी हैं जिनके ड्रामे आप बहुत पसंद करते हैं। वो भी घर वापस आ चुकी हैं सेहतयाबी के साथ, एक आध सर्जरी भी उनकी हुई है, और इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुबारकबाद देना चाहेंगे रुबीना आपा को, जिनके बारे मतलब रुबीना आपा के बारे में उल्टी उल्टी खबरें भी फैलाई गई थी। तो मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप सबकी दुआओं से, हमारी दुआओं से वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाबी के साथ अपने घर वापस आ गई हैं। और मेरी उनसे फ़ोन पर मैसेजेस पर बात हुई है, वॉइस मैसेज भी सुना है, तो आवाज़ से वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब लग रही हैं। और मज़ीद उनकी दुआ करें, क्योंकि उनके स्टिचेस वगैरह भी आए हैं सर्जरी की वजह से, कि वो बिल्कुल सही हो जाएं, और इंशाल्लाह फिर हमारे शो में जैसे वो आती हैं, जिस तरह गप्पे लगाती हैं हमसे, उसी तरह लगाएं इंशाल्लाह। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी कुछ ऐसे कोरोना रिकवर्ड पेशेंट से जो हमारे प्रोग्राम में हमेशा हंसते मुस्कुराते आते थे, और हमेशा कोई फ़न प्रोग्राम करना होता था तो इस कपल को हम दावत देते थे। लेकिन हमारी ड्यूटी ये भी बनती है कि जब वो भी इस मौलिक बीमारी से रिकवर होके यहाँ आए हैं तो उनको वेलकम करें। हाँ, मैं जितना ढोल धमाके बजा के इस फैमिली ने वेलकम किया उतना तो नहीं कर रही, लेकिन वो हमारी मोहब्बत और हमारे खलूस हमारे दिल से और हमारी बातों से उनको नज़र आएगी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि मैं आप कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स को यहाँ इसलिए बुला रही हूँ ताकि उन्होंने जो एहतियात की वो किस तरह सेहतयाब हो, ये सारी बातें आप जान सकें। साथ साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जो आपको बताते थे अच्छा कैसे ब्यूटीफुल बन जाएं, कैसे अपने बालों को बढ़ाएं, उनके साथ वो तो आईसीयू में रहकर आए, बड़े सिवियर बीमार हुए थे, वो भी हमारे साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं और कोरोना रिकवर्ड पेशेंट हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में और उनकी एहतियाती तदाबीर जो उन्होंने ली, तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जुम्मा मुबारक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे चेहरे पे आपको खुशी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त कोरोना से रिकवर होके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हैं, यहाँ इस काबिल हैं कि आपको बता सकें कि इन्होंने कैसे फ़ाइट की इस मौलिक मर्ज से जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस वक्त हमारे साथ हैं उमैर और सदफ। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं? और साथ साथ डॉक्टर काशिफ, पेपर पे लिख के बता रहे होते थे ये करना है, ये करना है, ये करना है। कितने दिन आईसीयू में रहे हैं? 10 days, 10 days. Oh my God. इनके लिए तो मुझे फूल और हार मंगाने चाहिए थे, माशाल्लाह, ढोल बजाने चाहिए, ढोल बजाने चाहिए थे कि आईसीयू में रहकर आए हैं। तो आप दोनों से ये तो बचे रहे? मैं बचा रहा, ये बचे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ अपनी दास्तान सुनाएंगे कि घर में अगर एक शख्स भी बीमार होता है तो बाकी लोगों का क्या होता है। असल में तो बीमार मैं हुआ था। हाँ, मुझे बुखार हुआ था, मुझे कफ थी, मुझे सारी चीजें थी। अच्छा, सिम्टम्स वो वाले नहीं थे कि टेस्टलेस या वो कुछ, बट कफ थी और मुझे जो है ना फीवर था, डायरिया भी था, डायरिया भी, सारे डायरिया भी था, सारी चीजें थी। अब हमने डॉक्टर से, उनका वायरल है, दवाइयाँ दी, सारी चीज़ें की। 7 दिन के बाद उनका, यार अब टेस्ट करा ही लें, क्योंकि हाँ। बुखार आपका नीचे नहीं आ रहा। हम चले गए टेस्ट करवाने, अब पूरी फैमिली गई, हम सारे साथ ये बुखार में, तो तुम लोगों को कुछ नहीं? नहीं, मैंने कहा सदफ फिर अगर पॉजिटिव आता है तो आप तुम फिर भागोगी जाओगी बच्चों को लेकर, तो मैंने कहा साथ ही चलो, तो चलो साथ ही करवा लिया सारी चीज। अच्छा, सदफ ने सारा अरेंजमेंट किया, मैं गाड़ी में, क्योंकि मैं बीमार आदमी था, मैं गाड़ी में एसी चला के बैठा हुआ, और हम तो ऐसे भी बेचारी सदफ भागती फिर रही है इधर उधर, ये वो सारी चीजें। जब नंबर आया तो मुझे बुलाया सदफ ने, सारी चीजें की। अच्छा, उसके बाद टेस्ट हो गया, दूसरे दिन आके, अच्छा मुझे आइसोलेट किया हुआ पिछले 7 दिनों से, मैं घर में कमरे में मुझे बंद किया हुआ सदफ ने। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैंने कहा भैया मेरा तो नेगेटिव है, आप लोगों का पॉजिटिव है, चलो सब कमरे में। कहती नहीं, आप ही कमरे में रहेंगे, हम घर में बाहर रहेंगे। आइसोलेट फिर भी मैं रहा। यानी कि आपके दो बेटे और सदफ, इनका पॉजिटिव पॉजिटिव आया था और एक नेगेटिव था, आपने कहा मेजॉरिटी विंस। अच्छा, फिर आइसोलेट आप, सदफ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका और नेगेटिव हो, नहीं एक और जगह से। हां, मैंने कहा नहीं कराएं, ये कैसे हो सकता है, फिर एक और जगह से करवाया गया। बुखार तो इनको था, सिम्टम्स तो इनको थे, नहीं हो सकता ये। हां, कहते हैं चलो करा, नेगेटिव आया
वो होने के बाद सदर, मैंने कहा पैसे दे दो किसी को कि मेरा पॉजिटिव हो जाए, खुदा के लिए बस करो, मैं टेस्ट नहीं करवा रहा। अच्छा जब मुझे पता चला ना निंदा, हाँ एक्चुअली मेरा जो टेस्ट था वो मेरे नंबर पे आना था। अच्छा ये लोग उस वक्त सब सो रहे थे और मैं वेट कर रही थी ना, टेस्ट आए रिपोर्ट आए, अब जैसे ही आई ना तो पॉजिटिव, और मैं आके ना उमेर के दरवाजे के सामने कुर्सी रख के बैठ गई दूर। ये मेरे से ऐसी बात करते थे, मेरे रूम के बाहर ना चेयर डाल के तीनों बैठ जाते थे और बातें कर रहे होते थे। क्या हुआ है? मैंने कहा मैं तो शायद मर जाऊंगी। हाय 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 हाय, क्यों क्या हुआ, पॉजिटिव आया? मैंने कहा हाँ पॉजिटिव आया है, और मैं ब्लैंक ना, क्योंकि आपके फ्लैशबैक, स्ट्रेस, अजीब सी चीजें, सोशल मीडिया आपको डरा रहा है, सारी ये वो फला। मैंने क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा नहीं, एक दिन उसे फिर तुम्हारा रिजल्ट आया था, बच्चों का नहीं आया। अच्छा एक घंटे के बाद बच्चों का भी आ गया, उनका भी पॉजिटिव। मैं तो यूँ बैठी हूँ, फिर मैंने कहा नहीं सर ये तो तरीका ही नहीं है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस लेके, आपसे पहले तो डिप्रेशन ही आता है ना, बाकी सारी चीजें बाद में। एग्जैक्टली अच्छा लिटरली निदा हाथ कांप रहे थे। हाँ क्योंकि एक चीज जो आपने सुनी हो कि यार उसको हुआ है उसको हुआ है, फैमिली में तो है ही नहीं, फैमिली में दिल सोच रहे होते हैं जायदाद किसके नाम लिखूं। मैंने हम लोगों ने यही सोचा था क्या करें यार, अब हमारे पास तो इतनी तो है नहीं जायदाद, थोड़ी बहुत जो है वो अच्छा रख दो, वो लड़कों के नाम बच्चे क्या करेंगे कैसा होगा। हाँ मैंने कहा नहीं सर ये तो तुम हो ही नहीं ना, मैंने कहा नहीं लेट्स फाइट और लेट्स फाइट टुगेदर। मेरे बच्चों का हम लोग सब करेंगे, इन्जॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे टीवी देखेंगे सब करेंगे, लेकिन हमने इस चीज से निकल, बच्चे भी परेशान हुए, बच्चे परेशान हुए। हाँ। लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को सिम्टम्स नहीं थे, कोई चीज नहीं थी तो उन्हें फील नहीं हुआ, वो फिर जब अपनी पढ़ाई में और गेम्स में लगते हैं तो फिर वो उसमें लगे रहे। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि आपको जब पता चलता है तो आपके पास 14 दिन होते हैं नेक्स्ट ना, तो आपको ये होता है कि यार पता नहीं किस दिन क्या सिम्टम आ जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई खांसी, कोई सांस की प्रॉब्लम या कोई टेस्ट खत्म ना हो जाए, तो हम हर दिन को ना जैसे एक मुनियो था, जब हर दिन को एक नए तरीके से आप शुरू करते हैं इंतजार होता है कि ये डर के साथ इंतजार था कि या अल्लाह रहम या अल्लाह रहम या अल्लाह, और लिटरली निदा हर रोज दो नफल हम पढ़ते थे कि अल्लाह हमें इस बाबा से निकाल दे, बाबा से निकाल दे बाबा, क्योंकि यू नेवर नो लोगों ने। अच्छा वैसे तुमने इतना पता नहीं चलने दिया ना, तुमने किसी को इतना बताया नहीं? नहीं मेरी ना नवेद से बात हुई, जब मेरा रिपोर्ट आई ना, जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैंने नवेद को फोन किया, मैंने उस वक्त हम लोगों को हो चुका था। हाँ, हो चुका। अच्छा, अच्छा मैंने तुम्हें भी फोन किया था, लेकिन अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि प्रेशर ऑफ कॉल्स बहुत है, तो मैंने दोबारा नहीं किया। मैंने नवेद को कहा, मैंने कहा क्या करूँ लोग पूछे, कहते देखो कोई पूछे तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बता दो, लेकिन खुद से ना फोन कर करके या इंटरनेट पे अपने फेसबुक पे लिखने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पे डालने की जरूरत नहीं है, अपना ये दिन गुजारो, ताकि तो कहते इतनी कॉल्स आएंगी तुम्हें कि वैसे परेशान हो जाएगी देखोगी या तुम लोग। अब इशू ये होता है कि हमने उस ड्यूरेशन में मेड्स को ऑफ कर दिया, फिर हमने मेड के पूरे घर वालों को भिजवाया कि जाएं आप जाके टेस्ट करवाएं, उनके टेस्ट करवाए, क्योंकि यार मतलब हो सकता है अगर हमारे से लगा है उनको तो उनको कहीं घर में ना प्रॉब्लम हो जाए, बेचारे मुश्किल हो जाएगी। देखो ये मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो कहीं कहीं फ्री भी हो रहे होते हैं, लेकिन अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बेचारे कैसे, वो तो नहीं टेस्ट कराएंगे 7,000-7,500 का टेस्ट है, वो कहेंगे बाजी हम कहाँ से करा, हमें तो आधे महीने की तनख्वाह निकल जाएगी। सही बात है, उनको भिजवाया उनके पूरे माशाल्लाह वो सब नेगेटिव थे, तो फिर हमने ये बड़ा टेंशन, आपको आने की जरूरत नहीं है। अब जब हम क्यों झाड़ू पोछे खुद लगाए, अरे पागल हो गई ना लिटरली, मैं पागल, क्योंकि मैं तो सिर्फ जिस कमरे में था मैं उसी को साफ करता था, उसी में रहता था। हाँ। बाकी पूरा मुझे तो आइसोलेट तो मुझे किया हुआ था ना, तो काम ये करते थे, खाना लग के आपको मिला करता था ये किचन में पका रही मैंने नहीं, मेरा तो खाना बाहर से आ रहा था, खाना बाहर से आता था काफी दिन, तो खाना मेरा बाहर से आता रहा, बाहर से मतलब दोस्त है एक नीचे उनके पास से आता रहा। अच्छा वो मेरा खाना तो भिजवा देते और बच्चों का बना, मेरा भी भिजवा देते थे साथ, क्योंकि हम थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा मेरा भी भिजवाए साथ, तो वो डब्बों में पैक होकर हमारे कुछ ऐसे पड़ोसी थे जिनसे हमारी सलाम दुआ भी नहीं थी, हम जानते भी नहीं, जाहिर है ज्यादा कॉलोनी में ज्यादा घर है, उन्होंने हमें चीजें भेजी और ये वो मतलब, तो ये वो वाला वक्त जो है ना हमेशा याद रह जाता है। बिल्कुल, और आप खुशी में शरीक हो या ना हो, लेकिन इस वक्त में जो आपकी कोई हेल्प आउट करता है ना। अच्छा फिर उनकी दिन में दो या तीन दफा कॉल जाती थी, भाई कोई चीज चाहिए मैं ला दूं,
मैं यहाँ जा रहा हूँ कोई चीज चाहिए, मैं यहाँ जा रहा हूँ कोई चीज चाहिए, बताएं मैं ला देता हूँ। सारे दोस्त, सारे दोस्त कोई चीज चाहिए। मैंने कहा तुम लोग देने के सहयोग कुछ नहीं, हम रखेंगे और भाग जाएंगे, चले जाएंगे, तुम उठा लेना बाद में, तुम मतलब थोड़ी घर के बाहर। अच्छा, लेकिन निधा जब हमें पता चला ना, तो हमने सबसे पहले जिन जिन से हम 14 डेज पहले मिले हैं सबको हमने कॉल्स की, हमने बताया कि भाई सब अपने टेस्ट कराओ, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किससे किसको लग जाए। अच्छा, खाया क्या क्या तुम लोगों ने? जैसे कोई विटामिन्स लिए, किसी से रुजू किया, किसी डॉक्टर वगैरह से पूछा कि हम क्या क्या, वो सब किस किस से पूछा? एक्चुअली हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर रियाज उनको हमने फोन किया। उनसे मैंने कहा कि भाई अब मुझे क्या खाना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं एंटीबायोटिक शुरू करूँ, क्योंकि इतनी डिटेल तो आपको पता ही नहीं होती ना कि आपने क्या करना है। मेरा इलाज उन्हीं से चल रहा था, मतलब वो जो आप वायरल, आपको वो वायरल जो मुझे हुआ था, तो मैं उनसे इन टच था। अच्छा, तो वो उन्होंने ही फिर आगे सजेस्ट किया, सदफ ने फिर कहा कि अपनी रिपोर्ट भेज के कि भाई मेरा पॉजिटिव आ गया क्या करूं। तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट भेज दी कि ये चीजें करनी है आपने, ये विटामिन्स मंगवा लें और ये चीजें शुरू करें। कौन कौन से विटामिन्स थे सदफ? उसमें विटामिन सी था, ई था, किसी भी कंपनी का था या क्या? जो उन्होंने सजेस्ट किया था हमने वही लिया। वो मिलता कुछ दिन, वो मिला फिर उसके बाद दूसरी कंपनी ले ली। याद नहीं है मुझे, हाँ याद नहीं, क्योंकि बहुत सारी के बाद टाइम, बहुत सारी दवाई थी ना कि हम तो। अच्छा, एक तो विटामिन सी हो गया, फिर सी हो गया, डी हो गया, विटामिन डी, ई हो गया, ई भी, ई भी, अलग अलग ले, अलग अलग विटामिन ई, मल्टी विटामिन अलग खा रहे थे हम। अच्छा, मल्टी विटामिन अलग, फिश ऑयल अलग खा रहे थे, डिफरेंट जिंक उसी से मिल गया। एग्जैक्टली, उसके बाद उन्होंने हमें फिश ऑयल भी उन्होंने रेकमेंड किया, फिश ऑयल भी रेकमेंड किया, जो वो जो हम कहते थे मछली के अंडे, गोल्डन गोल्डन बोलिए। हां, जब फिश ऑयल और विटामिन सी उन्होंने हमें कहा था कि आपने दिन में 2 दफा खाना है। अच्छा, हाँ, तो हम एक रात में खाते थे और एक सुबह में खाते थे, और थोड़े से गैप के साथ ना, मतलब वैसे नॉर्मली आम दिनों में हम एक दफा खाते, एक दफा, लेकिन उस वक्त जब कोरोना पेशेंट थे तो 2 दफा खा, 2 दफा खा रहे। फिर उसके बाद विटामिन डी के वो हमने शॉट्स नहीं मिलते, नॉर्मल गोलियां नहीं जिसमें कम यूनिट्स होते हैं, वो शॉट्स हमने खाए पूरा, एक हफ्ता एक शॉट, दूसरा हफ्ता दूसरा शॉट, तीसरे हफ्ते तीसरा, मतलब जो शीशे वाली होती है, शीशे वाली सकते हैं और आप उसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं। बच्चों ने तो किया, मैंने नहीं किया वो। मैंने विटामिन्स भी अगर उन्होंने कहा कि दिन में 2 दफा है, तो मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन खाया। अच्छा, मैंने अल्टरनेट डेज पे खाया। अच्छा, मैंने नहीं खाया वैसा कि क्या हो गया पता नहीं। हाँ, तो मैंने नॉर्मल तरीके से रखा वैसे। एक कोई मैं वो भूल रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे पास ना 6 गोलियां होती थी। अच्छा, वो हम लोगों ने बॉक्सेस बना लिए थे, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, फिश ऑयल, ये 4 चीजें हुई, मल्टी विटामिन 5। हाँ, एक कोई मैं भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी, आई थिंक आयरन है या कौन सी है, क्योंकि ऐसे बॉक्सेस बच्चे बनाते थे, बॉक्सेस बच्चों ने भी देते हैं, बच्चों ने ना सारे बॉक्सेस बनाए थे, डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह कर करके रख दिए थे, ताकि ना निकालनी बार बार ना पड़े इस तरह। लेकिन मुझे उन्होंने 3rd डे से एंटीबायोटिक शुरू कराई थी। अच्छा, तुम्हें क्या क्या सिम्टम्स थे? मुझे हल्की सी ना खांसी थी जो मुझे चेस्ट से आती थी। अच्छा, हाँ, वो मुझे वैसे भी रहती है क्योंकि मैं साइनस पेशेंट हूँ। लेकिन तुम तो हल्की खांसी में तुम्हें एंटीबायोटिक दे दी उन्होंने? उन्होंने कहा कर लें तो बेहतर है, हाँ, ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, असल में सदफ जो है ना घबरा जल्दी, ये एंजाइटी की वजह। मैं 3 दिन बहुत स्ट्रेस में थी। हाँ, मुझे ना वो मतलब नहीं होता अब मैं कमरे से बाहर आके समझा भी नहीं सकता था, कंधे पे हाथ रख के बता भी नहीं सकता था कि भाई क्या हो गया, रिलैक्स, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लो इतनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो क्यों परेशान हो गया? अब ये बैठे बैठे आलम होता है। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों सांस चल रही है तुम्हारी? नहीं मुझे हो रहा है। मैंने कहा नहीं हो रहा है, दिमागी तौर पे हो रहा है, रिलैक्स। सांस नहीं आती ना जब आपको वहम होता है, पैनिक अटैक्स। अच्छा, रात में सोते हुए ज्यादा होते थे, सही में नींद से उठती थी ना, या कोई मुझे टॉयलेट जाना है तो यूं उठती थी, उस्मान सांस नहीं आ रही, उस्मान सांस नहीं। अच्छा, मैं अपने रूम में होता था, मैं मूवी देख रहा होता था, तो मुझे नजर आ रहे होते थे, आपकी तो पिकनिक चल रही थी तो मैं मूवी लगा के देख रहा था, सदफ उठ के, मेरे हेडफोन्स लगे होते थे, सदफ गुजरती थी, मैं कहता क्या हुआ, कहा जा रही हो? कुछ नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कोई घबराहट नहीं, सोच रहा था कि खबर था इधर उधर घूम एक्चुअली पैनिक। अच्छा, ज्यादा परेशानी पता है क्यों थी निदा? क्योंकि तुम लोगों की न्यूज सुन सुन के इतनी अजीब अजीब बातें जो मैंने सुनी, हमने तो मार दिया था ना हमें, वो चीज ना बहुत आपको यहाँ बॉदर करती है, बहुत इस तरह की। अच्छा, तुमने इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं होने दिया, नवीन ने मुझे बहुत समझाया, मतलब हमें तो परेशानी हुई हुई, मेरे जो जानने वाले रिश्तेदार थे उनको वो फोन करे स्पेशली कि यार क्या हुआ, ये क्या है। Exactly. पहले हमें हॉस्पिटल भेज दिया आईसीयू में, उसके बाद फिर हमारे घर से इंतकाल की खबर आई, अल्लाह ना करे। मतलब मेरी अम्मी जो है वो पहले तो मेरी तबीयत की वजह से परेशान, फिर हमने कहा टेस्ट करवा लिया, मेरा नेगेटिव है,
अम्मी कहती चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा लेकिन बच्चों का और सदफ का पॉजिटिव, कहती लो एक तरफ से जान छूटती तुम लोगों से, दूसरी तरफ से मुसीबत आ गई है, अब उसकी परेशानी में लग गई हूँ बेचारी। मैंने कहा आप टेंशन ना ले, ना आपको आने की जरूरत है। हाँ भाई, बुजुर्गों को तो वैसे ही मना कर देना चाहिए। अच्छा, तो फिर जो है तुम लोगों ने ये वाली दवाइयाँ खाई और वो तीन दिन बाद तुमने कौन कौन से जैसे औजार, क्या कहते हैं औजार नहीं, क्या कहते हैं उसे, इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीमीटर या फीवर चेक करने वाला, ऑक्सीजन, क्या क्या साथ अपने मंगा के रखा था घर? अच्छा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, नेबुलाइज मशीन है वो हमने किया था, नेबुलाइज किया था। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बेसिकली उसका एक हॉस्पिटल रन करता है, वो उसने मुझे कहा कि देखो सदा, मैंने सबसे पहले उसे फ़ोन किया। अच्छा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास प्लाज्मा है? हाँ है। क्या हुआ, खैरियत है? पहले शुरू में ही प्लाज्मा मांग रही है, फर्स्ट डे था ये, और उसे फ़ोन किया कि अल्लाह पैनिक हुई ना, बहुत पैनिक हुई थी ये। मैं सदा से क्या, मैंने कहा सदा खुदा के लिए तीन दिन में चाल की सी खांसी पे एंटीबायोटिक खा ली मैंने। मैं भी बहुत बहमी हूँ, मेरे बहुत ज्यादा सिवियर खांसी थी पर एंटीबायोटिक नहीं दी मैंने। अच्छा, मुझे भी खांसी रही है, मुझे अभी भी खांसी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने एंटीबायोटिक नहीं खाई है। उसे डर के मारे खा ली, मुझे डर कि मैं मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे बाद, ये तो नहीं संभाल सकते। अच्छा, मैंने उसे फोन किया तो कहता हुआ क्या है? मैंने कहा सुनो, अगर मुझे कुछ होगा ना, तुम्हारा नंबर उमेर के पास मैंने फीड कर दिया, तो प्लाज्मा रेडी रखना। कहते पागल तो नहीं हो गई? कहते क्यों, क्या हुआ? मैंने कहते तुम्हें सिम्टम्स तो है ही नहीं। मैंने कहा नहीं है, लेकिन आठवें दिन हो सकता है, नाइन्थ डे कोई प्रॉब्लम हो गई। कहते तुम पागल हो गई हो, रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा, प्लाज्मा है, ऑक्सीजन है, अगर कुछ होता है तो ऑक्सीजन घर भी आ जाएगी। तो उससे मुझे बड़ा काम डाउन किया कि यू नो, और ऐसे लोग जब आपको हेल्प करते हैं ना, तो आपको एक एक मोटिवेशन मिलता है। काम डाउन कर रहा है वो, कुछ नहीं था, मियां डॉक्टर नहीं है ना, डॉक्टर करे तो उसकी बात और है। मियां सारी बातें पहले कर चुका है। मियां जो है ना, सच बताऊं, मियां के लिए बीवी को कुछ हो जाए तो ऐसा होता है जैसे कोहनी में चोट नहीं लगती, एकदम दर्द होता है, उसके बाद रिलैक्स। तो इसीलिए सॉरी मियां, बट ट्रस्ट नहीं। अब मैं हर थोड़ी देर बाद आके रूम से मैं बाहर आऊं ना अपने कमरे से, रूम में आ खड़ा हूं, सदा सब सही है ना, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है यार, देखो बात सुनो ये हो गया। अरे मैंने कहा रख दे फोन, पागल हो जाओगी यार। अच्छा, दूर दूर से मैंने ये भी कह दिया। अच्छा, यही कैफियत जो तुम्हारी है वो हमारे घर में यासिर की थी, और उसके कान से फोन नहीं निकलता था, कभी एक को फोन, ऐसे ही होता, कभी डॉक्टर को फोन, कभी डॉक्टर बिल्कीज को फोन, कभी चोबा को फोन, ना मतलब और कोई और डॉक्टर बचा नहीं था। उसने जितने हमारे दोस्त जानने वाले डॉक्टर्स थे, हमारी पूरी जिंदगी चले आ रहे थे, उन सबको उसने फोन कर तो बनता है ना, सबसे अलग सिम्टम्स के साथ तो बनता है। उसकी हॉबी डॉक्टर से बात करना थी, किससे बात करो, डॉक्टर से, किससे बात, मैंने कहा दोस्तों को छोड़ के तुम डॉक्टरों से बात करो। रीअश्योरेंस भी चाहिए होती ना उस टाइम भी, नीड एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और डॉक्टरों ने क्या कहना है, अब आप खतरे से बाहर हैं, अब आप बस ये रिलैक्सेशन थी, और अब आप खतरे से बाहर, ये लव सुनने के बाद जो है ना उसको सांस आता था, अच्छा मैं खतरे से बाहर। उसके बाद निदा चप्पल पे चप्पल चढ़ी है, ये कोई इंग्लिश वाला सफर तो नहीं है, ये कोई हम ऊपर तो सफर नहीं कर रहे, यही बातें हो रही होती थी। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, डॉक्टर फाशिद से भी पूछेंगे, 10 दिन आईसीयू क्या रहा इनका एक्सपीरियंस, अल्लाह रहम करे, गुड मॉर्निंग, ये एक्सपीरियंस भी पूछने पड़ रहे हैं मुझे, सोचे जरा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कतरा कतरा समंदर बनता है, और सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं उस मिली गोल्ड परचेज प्लान में, जिसकी कुरानदाजी के जरिए आप जीत सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस, जो आपने अभी देखा ना, जैसे हम ब्रेक से वापस आए, वो गोल्ड ज्वेलरी का पीस आपने जीता है जो मैं आपको अभी दिखाने भी वाली हूँ। आइए चलकर देखते हैं। खुश नसीब जो गोल्ड ज्वेलरी है, जो 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी है, उसका पीस वो जीत चुका है, कौन है वो खुश नसीब, कुरानदाजी के बाद मैं उसका नाम अनाउंस करूंगी, और इंशाल्लाह वो पा सकेगा मनपसंद गोल्ड ज्वेलरी का पीस। ये हैं जी तलत सोना कमेटी, जिन्होंने डाली है तलत, तलत है इनका नाम,
इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और ये मैं अपने टीम मेंबर को दे रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो तलत, आप जीत गए हैं ये गोल्ड का पीस जो अभी हमने आपको दिखाया है। हमारे शो पे अभी अभी ज्वाइन इन किया है डॉक्टर सादिया आमिर हमारे साथ हैं, जो कि फिजिशियन एंड इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट हैं एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपके बराबर जो डॉक्टर काशिफ बैठे हुए हैं, ये कोरोना रिकवर्ड पेशेंट हैं और ये इस वक्त आईसीयू में रहकर आए हैं कुछ 8-9 दिन 10 दिन 10 दिन और ये अकेले नहीं थे, इनकी अम्मी भी इनके साथ भी हो गया था साथ में कोरोना एंड इट वाज अ टेरिबल थिंग। और एक्चुअली कैसे आपको पता चला था? देखिए मुझे वाली बात ही, आई एम अ डॉक्टर और मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में काम करता हूँ, हमें पूरा हैजमेट सूट पहनता हूँ, हर चीज़ करते हैं। हाँ। तो अब डॉक्टर्स को अगर होते हैं तो थोड़ा सा डिनाइल फेज में होते हैं। हाँ। शुरू में तो वो मानते ही नहीं है कि उनको हो सकता है, एहतियात करते हैं। हाँ। यू नो, आके नहाना और डिसइंफेक्ट करना एंड ऑल दैट। आप भी तो मिलती होंगी ना हम इस तरह लोगों से, है ना डॉक्टर साहब? तो ये होता है, कुछ पहन पहन के बैठ रही होती है। नहीं क्या मतलब, हम लोग बहुत सिंपल चीज़ें पहनते हैं। हाँ। हम लोग कोविड की ओपीडी कर रहे हैं, इसका अच्छा, ओपीडी कर रहे हैं, ओपीडी कर रहे हैं, उसमें हमारे ज़्यादातर अब तो पेशेंट्स पॉजिटिव आते हैं। हाँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने वो पहनी हुई होती हैं, गाउन पहने होते हैं, ग्लव्स होते हैं, मास्क होता है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा मास्क था क्या? गाउन, मास्क, अच्छा, और कैप, शू कवर, ग्लव्स। पीपीई सूट नहीं पहना? नहीं, वो हम लोग उन एरियाज में पहनते हैं जहाँ पे हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जाना है। अच्छा। और तो पेशेंट आपके पास जो हमें एग्जैक्टली वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ना, इट्स काइंड ऑफ अ रेस्पिरेटरी। यस, ठीक है। तो हमें मास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे शील्ड पहनते हैं आप लोग या? मेरे को शील्ड पहनते हैं। अच्छा। लेकिन हैजमेट सूट हम लोग वो जो कोविड के जहाँ पे पेशेंट एडमिट है हमारे, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और जितना भी पैरामेडिक स्टाफ है सब वो वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर काशिफ, क्या कैसे आपको पता चला कि आपको कुछ? अभी हुआ मुझे वीकनेस हल्की की शुरू हुई, पर मैं डिनाइल फेज में था, सीरियसली बताऊँ। अच्छा, अम्मी को भी हुई साथ में खांसी। अब मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा, यू नो ये हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने 1 जून को मैंने टेस्ट कराया। अच्छा, मैं आया टेस्ट सिम्टम्स की वजह से? जी, सिम्टम्स की वजह से मुझे शक हुआ, स्पेशली अम्मी को ज़्यादा हो रहा था। अम्मी को ज़्यादा क्योंकि एज है, अम्मी इज़ अबव 75, तो वो उनको थोड़ा सा लंग का प्रॉब्लम हो रहा था, सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, जी डायबिटीज़ भी उनको, जी। तो उनको हुआ, तो मैंने कहा चूँकि मैं उनके साथ होता हूँ तो मैंने कहा मैं अपना भी करूँ। अच्छा, आप यकीन जाने इतना मैं उस पर डिसओरिएंटेड हो गया, डिटेक्टेड लिखा आ रहा है और मैं से पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डिटेक्टेड? एंटीबॉडी टेस्ट कराया था? नहीं, मैंने पीसीआर कराया था। जी, पीसीआर कराया था, उसमें डिटेक्टेड एक और आता है, उसमें लिखा हुआ था, सब में पॉजिटिव नहीं आता, तो डिटेक्टेड मींस पॉजिटिव कि वो डिटेक्ट हुआ है। इंडस से कराया था क्या? मैंने कराया था चुगताई लैब से। अच्छा, जी, इंडस वालों का भी डिटेक्टेड आता है? जी, डिटेक्टेड आता है, जी। तो इंसान उससे इतना वो होता है। अच्छा, देन आई गॉट रियली अपसेट, मैंने कहा नहीं अब तो हमें क्वारंटीन करना पड़ेगा, मेरी बहन सब दोनों का, अम्मी और आपका, जी मेरी बहन, बहनों भी हमारे साथ होते हैं, तो बहन ने उनका टेस्ट कराया, वो माशा नेगेटिव, उन्होंने फैमिली को फिर भी भिजवा दिया बाहर। बहन ने तो हेलमेट सूट ले लिया, थैंक यू समर, तुमने हमें जान बचाई हमारी शुरू में, उसी ने बेचारी हमारा ख्याल रखा। कौन सा वाला सूट? हैजमेट सूट उसने अपना ले लिया, बिकॉज मैं और अभी तो पॉजिटिव थे, व्हाइट सूट होता है, जी पीपी हैजमेट सूट कहते हैं, जी। तो वो से पूरा वो शील्ड वगैरह लेके भाई वो तो बची रहे, उसने अपनी फैमिली को भिजवा दिया एक और जगह पे। तो आपने ये पहन लिया? नहीं, हम लोगों को तो जरूरत नहीं थी, हम तो पॉजिटिव हो गए, हम लोग कमरे में क्वारंटीन हो गए, जो हमारे पास आ रहा होगा ना उसको पहन के आना जरूरी है कि उसको ना हो। तो आपके पास क्यों आ रहा था? बिकॉज मेरी बहन हमारे साथ रहती है ना, तो हमारा ख्याल रखने के लिए, थैंक यू सो मच समर, तुमने हमारी जान बचाई, मेरी बहन का नाम समर है। अच्छा। तो वो उन्होंने हस्बैंड सूट ले लिया, शी टू कॉल द प्रिकॉशंस बिकॉज फैमिली को भिजवा दिया, उनके हस्बैंड और 3 बच्चे माशाल्लाह, तो उनको एक और जगह भिजवा दिया, उनको वी ऑल लिव टुगेदर। अच्छा। तो अब वो हमारा ख्याल रखनी थी। अच्छा, लेकिन अब मुझे खाना पका के देना, जी जी जी, सूप वगैरह वो सब, वाइटामिन सी, अब कॉन्टैक्ट में थे मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स से, उन सबसे कॉन्टैक्ट, लेकिन रोज रोज जैसे आप लोग कहते ना तबीयत डाउन होना शुरू हो गई और वीकनेस शुरू हो गई। अच्छा, आप और अम्मी एक ही कमरे में? जी, एक ही रूम में थे, जी, आइसोलेटेड थे। अच्छा, अम्मी को खांसी होना शुरू हो गई, 1-2 दिन तक फिर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगा लिए, घर पे मंगा लिए, वो लगाया, उस पर भी फायदा नहीं हो रहा है। अम्मी को ज्यादा हो रहे थे सिम्टम्स? अम्मी को ज्यादा हो रहे थे, मुझे वीकनेस बहुत थी, तो मैं तो आधा बेहोश होता था, सोता रहता था। तो यू नो आई वाज लाइक टोटली, यू नो आपको ऐसा लगता है जैसे जिससे मैं से जान निकाल ली है किसी ने, बहुत गंदी फीलिंग होती है, आपको भी पता ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत खुशनसीब है आप, इट्स टेरिबल। फिर मैंने 4th
जून को सुबह डिसाइड किया कि नहीं वी हैव टू बी हॉस्पिटलाइज, बिकॉज देखिए अनिता आप घर पे मॉनिटर नहीं कर सकते, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आप ले आए, मैं ये जी मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं खुद भी बीमार था ना, तो आई कुडंट मॉनिटर माई सेल्फ और माई मदर, सो वी नीडेड सम मेडिकल केयर। हॉस्पिटल में जगह मिलना आसान जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मुर्शिद हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे कॉल किया, थैंक यू वेरी मच, वहाँ के सीईओ हैं डॉक्टर काशिफ महमूद, आई थिंक काशिफ नाम के लोग अच्छे होते हैं, ही इज वंडरफुल, उन्होंने मुझे फॉरन कहा कि मैं एम्बुलेंस भिजवा रहा हूँ, तुम लोग फॉरन एडमिट हो आईसीयू में, तो दोनों अम्मी और आप जी फॉरन हम लोग चौथे दिन ना जी फोर्थ की नाइट को हम लोग वहाँ पे एडमिट हुए आईसीयू में हम लोग गए, और हमारे पास उन्होंने डायरेक्ट आईसीयू में भेज दिया जी, बिकॉज़ हम लोग का बुरा, मेरा ऑक्सीजन बहुत कम आ रहा था, मेरा 82 आ रहा था ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीमीटर जी ऑक्सीजन सैचुरेशन वॉज वेरी लो, आई हैड टू बी देयर, फिर मैंने कहा नहीं आई हैव टू बी हॉस्पिटलाइज, अम्मी का बेबी बेहतर था लेकिन अम्मी के अदर सिम्टम्स थे, अच्छा देखिए हम लोग खा नहीं पा रहे थे, आपको तो एनोरेक्सिया हो जाता है, बिल्कुल भूख नहीं लगती, आपको टेस्ट और वो बिल्कुल वो खत्म हो रहा था, सब खत्म हो रहा, लेकिन वही वाली बात है मैं डिनाइल में था, मैं मुझे और जल्दी करना चाहिए था, मुझे तो हो नहीं सकता, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मैं तो खुद विटामिन सी लेता हूँ, क्लोरोक्विन मैं खा चुका हूँ पहले से, है ना डॉक्टर साहब, वो एक फेज होता है जो हम सब में डॉक्टर्स में होता है, बट वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि प्लीज़ अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो फॉरन हॉस्पिटल जाए, घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखना मुझे नहीं सही लगता, बिकॉज आप मॉनिटर नहीं कर पाते ना, आपको 5 लीटर्स चाहिए 3 लीटर्स चाहिए, फिर उसके अलावा आपको इंट्रावीनस, क्योंकि हम लोग को इंट्रावीनस पूरा किया, दुनिया की हर लाइफ सेविंग ड्रग्स हमें दे दी गई थी, बिकॉज वी वर क्रिटिकल एक्चुअली व्हेन वी रीच देयर, सो उन्होंने सारे उन्होंने इंट्रावीनस पे रखा हमें, अच्छा जैसे मॉनिटर होता है, फिर रोज़ आपका चेस्ट एक्सरे होना चाहिए ताकि आपके लंग्स की पोजीशन पता चले, मुझे भी माइल्ड निमोनिया था, अम्मी को भी हुआ था, वो भी ट्रीटमेंट साथ साथ चल रहा था, तो आई थिंक 10 दिन तक तो हमने कुछ खाया पिया नहीं, वी वर ऑल ऑन एंटीबायोटिक्स, ड्रिप्स पे थे हम लोग, ऑक्सीजन पूरे वक्त लगी हुई थी और मॉनिटर पूरे वक्त हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतर होता गया, रोज़ रोज़ मुझे बेहतर लग रहा था, बस वाली बात थी कि लोग इतने कॉल्स करते हैं, बीमारों को एहसास होना चाहिए बीमार आदमी ऑक्सीजन में है, लेकिन वो व्हाट्सएप पे कर दिया करें तो उसमें जब मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं जवाब दे दिया करता था, लोगों ने वॉइस मैसेजेस भेजे थे तो हम जब तो थोड़ी बेहतर होते जी, तो वो बेहतर होता है जी, तो आप यू कांट यू नो जवाब नहीं दे सकते हम आपकी कंडीशन है, क्योंकि मुझे तो पूरे तो ऑक्सीजन लगी थी, अम्मी को लगी हुई थी, एनीवे तो पहले बिकॉज जैसे आपने कहा ना, मैंने सबसे कहा नहीं यार बताओ नहीं किसी को, फिर भी मैं मेरी बहन ने कहा नहीं भाई आप सबको बताएं, सब दुआ करेंगे और जितनी दुआओं में बरकत है किसी और चीज़ में नहीं, इसमें आपको पता है दुआएं ही काम आती हैं, और साथ साथ हमें सही रास्ता मिलता गया, बिकॉज मैंने कहा नहीं मैं वहाँ पे एडमिट हो रहा था, फिर माशाल्लाह वहाँ पे हल्के की तबीयत ठीक होने लगी, नहीं मुझे नहीं लगाया गया, बिकॉज आई वॉज अम्मी को not in condition, तो कौन सी दवाइयां लगाई हमें, सबसे तो लाइफ सेविंग ड्रग्स दी गई हमें, डेल्टा कॉटल पे रखा गया, सोलोकॉटिव के इंजेक्शन लगाए गए, बिकॉज वी वर एक्चुअली रियली इन बैड शेप, फिर हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली सेफ्सपैन एक एंटीबायोटिक है, वो दी गई हमें, सब इंट्रावीनस दी गई हमें, ओमीप्रजोल, अम्मी को और आपको अलग अलग चीज़ें, अम्मी और मुझे अलग अलग दी गई थी, अम्मी का लंग्स का ज़्यादा इन्फेक्टेड था तो अम्मी को थोड़ा सा ज़्यादा डोज में दे रहे थे, मुझे थोड़े से कम डोज में दे रहे थे, लेकिन दोनों का तकरीबन रिजीम एक ही थी, सबकी ऑक्सीजन मॉनिटर हो रही थी, हम लोग के ब्लड शुगर मुझे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा शुगर मॉनिटर हो रहा था, अम्मी का था, शुगर क्या क्या हाल, अम्मी की शुगर बढ़ गई थी, बिकॉज डेल्टा कॉटल आपको पता होगा जिसे हम चावल वाली गोली कहते हैं ना प्रेडनिसोलोन, तो वो आपका शुगर क्या काम होता है डॉक्टर, वो हमारे अंदर जो इन्फेक्शन की वजह से टूट फूट होती है उससे कंट्रोल करता है जी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बल्कि बहुत ही सीवियर कंडीशंस में जी दी जाती है, उसके डॉक्टर साहब को भी पता है साइड इफेक्ट होता है कि आपकी शुगर बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो भी मॉनिटर करते रहना पड़ता है, अच्छा फिर एसिडिटी भी होती है उससे, तो ओमीप्रजोल उसके साथ मिल रही थी हम लोग को, सो यू नो आपको 6-7 दिन तो मैं तो जी अच्छा 6-7 दिन तो आई वॉज लाइक टोटली बेहोश, मुझे पता नहीं था मुझे कौन सी दवाई दी जा रही है, लेकिन चूंकि मेरा अपना मेरा मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो आई न्यू पीपल एंड थैंक यू वेरी मच, सबने बहुत हेल्प की, स्पेशली आपको पता है पैरामेडिक्स का ज़्यादा रोल है, डॉक्टर्स का तो है लेकिन पैरामेडिक बार बार आके चेक कर रहे हैं देख रहे हैं ना, पैरामेडिक का बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल है और वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, है ना डॉक्टर साहब, इसमें आपने देखा है पैरामेडिक्स अगर अच्छे हो आपको, क्योंकि डॉक्टर्स आपको मतलब आपको वो देख कर ऑर्डर्स दे के चला जाता है, लेकिन सारा पैरामेडिक्स का काम सारा मॉनिटर हॉस्पिटल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं दे आर 24/7 होते हैं, वो वहाँ से मूव नहीं होते हैं, वो पैरामेडिक्स के साथ मौजूद होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी बात ये आपको पता है इसमें सबसे बुरी बात ये है, मैं डरा ही रहा कि इसमें आप एकदम से ऊपर नीचे हो सकते हैं, अभी हमारे जानने वाले हैं मेरे पुराने हॉस्पिटल के सीईओ हैं, उनकी डेथ इसी में हुई है, एक दिन पहले बिल्कुल सही थे, उनसे बात हुई कि हाँ को एम्बुलेट करने वाले हैं, और दूसरे दिन एकदम से ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया, और आप डिस्कशन कर रहे थे मेकअप रूम में कि वो जो मोस्टली हो ये रहा है हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स में कि अगर लोगों को निमोनिया भी होता है या कुछ होता है तो वो जो बीमारी किसी को है तो उसमें बूस्ट कर जाती है। दूसरा मोस्टली अंडरलाइन कॉजेस को बढ़ा देती है। डेथ हो रही है वो अगर कोई निमोनिया का पेशेंट है तो उसको निमोनिया का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, उसको जो है वो इसका कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि ऐसा हो रहा है और वो निमोनिया से मर रहे हैं। टाइफाइड भी है, टाइफाइड भी है, डिफरेंट बीमारियां भी तो है ना। का जो हमारे घर में सबसे पहले डॉक्टर काशिफ, हमारी जो बच्ची हमारी हेल्पर है उसको जो है ना वो बीमार हुई, हमने उसे आइसोलेट कर दिया। फिर मैंने उसका टेस्ट कराया तो उसको टाइफाइड था एक्चुअली। अच्छा। फिर हमने उसका टाइफाइड का इलाज कराया, मेरी क्योंकि मेरी जो देवरानी है वो डॉक्टर है तो वो बंदे को घर भेजती थी उसको ड्रिप्स लगवाने के लिए। वो कहती थी इस वक्त बहुत खतरा है कि आप उसको हॉस्पिटल भेजेंगी तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, वो घर आके इसको ड्रिप लगा देगा, ज्यादा बेहतर है। तो वो सही हो गई। आप यूं कर रही थी मेरी बात पे, आप बताएं क्या है। देखिए, एक तो ये कि हम जो टाइफाइड के लिए टेस्ट करवाते हैं दैट इज़ अ टाइफीडॉट, और वो टेस्ट जो है वो दुनिया में भर में ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को बचपन में टाइफाइड हुआ होगा तो वो मरते दम तक ये टाइफीडॉट उसका पॉजिटिव आएगा। अच्छा। ठीक है, सो इट्स हैज़ नो वैलिडिटी एट ऑल। ओके, वन थिंग, टाइफीडॉट बिल्कुल एब्सोल्यूट टेस्ट है। सेकेंड चीज़, अगर आपको टाइफाइड है तो इट शुड बी इन अ ब्लड कल्चर, आपको ब्लड कल्चर करवाना है। अगर ब्लड कल्चर में साल्मोनेला आ रहा है then you have a typhoid, ठीक है, उसका ब्लड कल्चर ही है। अच्छा, फिर तो ऑथेंटिक चीज़ है, फिर आप टाइफाइड के लिए ट्रीट करें। जो बात आप कह रहे हैं कि ना उसको क्या हुआ है तो हमने उसका ब्लड टेस्ट कराया, कल्चर करा। आप जो कह रहे हैं कि निमोनिया के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं और ट्रीट कोरोना के हो रहे हैं, तो कोरोना करता क्या है बेसिकली? कोरोना निमोनिया ही तो करता है। एग्जैक्टली, लेकिन जो वायरल निमोनिया, उसमें बात ये हो रही थी कि जी निमोनिया का पेशेंट जा रहा है, जो उसमें दवाइयाँ दी जाती है निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए वो नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली ना, वजह ये है कि जो बैक्टीरियल निमोनिया की दवाइयाँ हैं, why we should it given give it in a viral pneumonia? Viral pneumonia की मतलब एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं, जो रोसेफिन ले रहे हैं, जो सेफ्सपैन ले रहे हैं, मतलब जो मेडिक एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ यूजलेस बिकॉज इट्स वायरल। ओके, तो एंटीबायोटिक लेने की इसमें ज़रूरत एक्चुअली है नहीं है, जब तक कि आपको, अब तो खैर डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करें विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, बिकॉज मैंने यासर को नहीं दिया इंफेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट, तो हम लोग एंटीबायोटिक स्टूवरशिप पे बहुत जोर देते हैं कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ना दी जाएं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हमारे ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे सुपर बग्स मौजूद हैं तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही पता चलता है कोविड निमोनिया है तो सब जो है वो कोविड का ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं लेकिन साथ में एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए आपका व्हाइट सेल काउंट बढ़ा नहीं है, या एक और हम टेस्ट करवाते हैं जिसको प्रोकैल्सिटोनिन कहते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ है इन दैट सिचुएशन हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं एम्पेरिकली, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स नहीं। अच्छा, अच्छा आपको कितने दिन हो गए रिकवर हुए भी डॉक्टर काशिफ? अल्हम्दुलिल्लाह, आई केम बैक होम ऑन 16 जून को हम लोग वापस आए। हाँ। जी, तो माशाल्लाह उसका, लेकिन मैंने आपको पता है दो दिन बाद मैंने अपना जॉब भी स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज मैंने कहा कि नहीं, बिकॉज मैं आपको सीरियसली बताऊं, इसमें आपका विल पावर बड़ा काउंट करता है, आप लोग ऑल एग्री करेंगे। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू बाउंस बैक। मैंने फिर फ्रूट्स खूब खाए अपने आप को, अपना जी फ्रूट्स बहुत खाने हैं आपको, फ्रूट्स सारे जो भी आपको मौसमी फ्रूट्स हैं, जी जो मौसमी फल हैं आप वो ज़रूर खाइए। उसके अंदर फिर यू नो सूप्स बहुत पिए, सूप थे जैसे चेन कॉर्न सूप, क्योंकि फीवर नहीं था, चेन कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप, जो आपको पसंद हो, बस ये टेस्ट बाजार वाले या घर? नहीं नहीं, घर वाले सब, घर वाले जी, चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप, कोशिश करें दाल चावल गर्म चीजें जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, तली हुई चीजें, चाय भी पीता रहा। अच्छा, एक ख्याल रखें कि हाँ, चाय कॉफी ग्रीन टी ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है, आपको थोड़ा सा बाउंस बैक करेंगे। फिर एक और चीज जो मैंने नोट की वो ये थी कि आपको जो भी खाना खाना है घर का खाएं, और कोशिश ये करें कि हर चीज गर्म हो, कोई ठंडी चीज़ ना खाएं, क्योंकि ठंडी चीज़ आप खाएंगे तो आपकी, वैसे आपका चेस्ट अभी भी ठीक होके आया है, है ना, तो आपको ऑलरेडी उसको ठंडी खट्टी चीज़ों से दूर रहना है। हालांकि आपको पता चले कैरी और अचार खा रहे हैं, ये भी आपको, ये भी आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छा, बहुत दिनों तक आपका टेस्ट खराब रहता है। अच्छा, बहुत दिनों तक आपका, अभी आपका टेस्ट खराब रहता है बहुत दिनों तक, कुछ लोगों को 3-3 महीने तक टेस्ट नहीं आता है, जब टेस्ट आता है तो उसका दिल चाहता है कि दुनिया की हर चीज खा लूं। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक
बाद आके पूछते हैं जी सना मक्की, मैं उनको भी बुलाऊंगी डॉक्टर उमर राहिल को, और फिर हम पूछते हैं सना मक्की आप लोगों ने क्या इस्तेमाल की और आपने कितनी इस्तेमाल की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं अपने प्रोग्राम पे एक नई अनाउंसमेंट कर रही हूँ। वैसे तो ये जो जिस बारे में मैं आपको बता रही हूँ ये एक महीना पहले शुरू हो चुकी है चीज़, लेकिन उस वक्त क्योंकि मैं आइसोलेटेड थी तो मैं अनाउंस नहीं कर पाई, वरना मैं आपको बताती। एआरवाई ने एक नई चीज़ शुरू की है जिसका नाम है सेल्फ रिलायंट यूथ, यानी SRY। बड़े मज़े की चीज़ है। और वो क्या है जो घर बैठे ना इस वक्त यंगस्टर्स, वो ऐसे सारे लोग, खाली यंगस्टर्स ही नहीं, वो सारे लोग जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज बंद हैं और वो घर में इस वक्त बैठे हुए हैं और वो कुछ करना चाहते हैं मगर घर से बैठ के क्या करें सोच रहे होते, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी फरहाम की है ARY ने सेल्फ रिलायंट यूथ के नाम से, कि वो गोल्ड कंसल्टेंट बन सकते हैं। ये एक उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको बताती हूँ क्या है, लेकिन ये उनकी डेजिग्नेशन है गोल्ड कंसल्टेंट। वो घर बैठ के अपने कंप्यूटर्स के ज़रिए वो रजिस्टर करा सकते हैं इस पैकेज पर, जिसे सेल्फ रिलायंट यूथ पैकेज कहते हैं, और रजिस्टर करा के वो मतलब अपने आप को समझे एम्प्लॉय बना सकते हैं एज गोल्ड कंसल्टेंट। और उन्होंने क्या करना होगा, उनकी जॉब के अलग अलग पैकेजेस होंगे, वो जो भी अपने आप को रजिस्टर कराने के बाद समझे वो एक जॉब पे जो है वो शामिल हो जाएंगे इस जॉब में, और उन्होंने गोल्ड कंसल्टेंट बन के जो दूसरे लोग फ़ोन कर रहे होंगे उनको बताना होगा, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी, और फिर वो लोग ट्रेन हो के दूसरे लोग जो कॉल कर रहे हैं वो शॉपिंग के बारे में गाइडलाइन देंगे कि आप इससे पैसे बचा सकते हैं, आपने कौन सी दवाई लेनी है, आपने क्या मतलब आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनके हवाले से आपको कंसल्ट करेंगे, और उनकी डेजिग्नेशन हमने गोल्ड कंसल्टेंट रखी है। सामने उसके बाद उनको इनक्रेज करने के लिए उनके लिए भी कुरानंदाजी की जाएगी, जैसे कि आज मैं SRY में जो शामिल हैं लोग गोल्ड कंसल्टेंट्स हैं उनकी कुरानंदाजी करूंगी और वो भी कुरानंदाजी के ज़रिए कुछ ना कुछ जीत पाएंगे। अच्छा, मज़े की बात क्या है, वो लोगों को ये बताएंगे कि आप इस चीज़ से ये पैसे बचाकर गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको प्रॉफिट होगा, और फिर वो भी प्रॉफिट से मुनाफा कमाएंगे और उनको अच्छी खासी कमाई का ज़रिया मिलेगा, अपने घर से बैठकर ऑपरेट करेंगे वो सब कुछ। और साथ साथ मैं ये बता सकूं कि वो SRY जो गोल्ड कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए आज मैं कुरानंदाजी कर रही हूँ, और इस कुरानंदाजी से उनको मिलेगा गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड का एक पीस, यानी कि मैंने आज दो कुरानंदाजियाँ की हैं, एक कुरानंदाजी हुई वो जो मिली गोल्ड परचेजर प्लान की, और एक कुरानंदाजी है SRY गोल्ड कंसल्टेंट के लिए। तो आज हमारे प्रोग्राम से दो लोग 22 कैरेट के अलग अलग पीसेस जीत रहे हैं, जिनकी मैं फ़ोन कॉल भी लूँगी प्रोग्राम के एंड में, ताकि मैं उनको पर्सनली मुबारकबाद दे सकूँ। आइए मैं SRY गोल्ड कंसल्टेंट जो प्लान है उसकी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, या आज पहली दफ़ा मैं कुरानंदाजी करूँ, आइए चल के देखते हैं। घर बैठे अपने कारोबार का आगाज कीजिए, ARY SRY प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराएं, ट्रेनिंग हासिल करें और बन जाएं ARY गोल्ड कंसल्टेंट, और ज्यादा से ज्यादा आमदनी हासिल करें। रजिस्ट्रेशन और तफसीलात के लिए अभी विजिट करें www.sahulatwallet.com/SRY या हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट। अभी भी अगर आपको मेरी बात समझ ना आई हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक करके मैसेजेस कर सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाए। वैसे मैं आपको बताती रहूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी समझ में आ जाएगी। तो अभी मैं कर रही हूँ कुरानंदाजी SRY गोल्ड कंसल्टेंट के लिए, देखते हैं कि जिन जिन्होंने रजिस्टर कराया था अब उनमें से किसका नाम निकला है। मोहम्मद अयान जो हैं इनका निकला है, बहुत बहुत मुबारक हो, 22 कैरेट डिज़ाइन। तो मोहम्मद अयान आपकी कॉल मैं अभी लेने वाली हूँ, फ़ोन नंबर आपके यहाँ लिखा हुआ है, और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन इन किया है डॉक्टर उमराइल ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, पूरी कहवे शहवे पिए जा रहे हैं फुल, बस रूटीन हो गया है कि वो जैसे खाना पीना होता है तो उसमें वो तमाम चीज़ें एड ऑन हो गई हैं। तो आज क्या लाई हैं आप हमारे साथ? आज मैं कोई कहवा, कोई माजून कुछ नहीं लाई हूँ।
आज थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं कि इतना ज्यादा चल रहा है कि बंदा कहाँ तक दवाएं इस्तेमाल करेगा, कितनी चाय पिए, कितने कहवे पिए, सुबह से रात तक कहवे पी रहा है या माजून खा रहा है या कुछ ना कुछ कर रहा है। आज मैं डिफरेंट चीजें लाई हूँ, सलाद भी है, शेक भी है, कॉफी भी है, और वो तमाम चीजें हैं। और बेस्ट काम किया आपने, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी होता है खौफ होता है कि हमें ना हो जाए। हाँ, हमें ना हो जाए। अब जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर काशिफ हम लोग हैं, कि खौफ होता है या घर में किसी एक को हुआ है तो बाकी लोग बहुत खौफजदा हो जाते हैं कि अब इसके बाद हमारी बारी है। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे कलर्स हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस फियर से आप निकल जाते हैं, आप रिलैक्स रहते हैं। इस कंडीशन में रिलैक्स रहना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आप उसका शिकार जल्दी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो पहले मैं आपको बताऊँगी खौफ को कैसे दूर करते हैं, कैसे करें भाई। अच्छा, बहुत ही आसान है कि लाइक अगर हमें भी है, किसी को भी है, आपको एक स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, जैसे अब मैं कहूँ काशिफ को हो गया, मुझे ना हो जाओ, सदफ को हो गया, इसके बाद अब पता नहीं। और मुझे मतलब अक्सर जब मुझे नहीं हुआ था तब मैं किसी डॉक्टर को बुलाती थी ना, मैं कहती थी हाय ये लोग तो कितना डर लगता है, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं मरीज के साथ, मुझे ना हो जाए, एक डर अंदर होता है। और सही होने के बाद भी होता है कि अब फैमिली में और बाकी लोगों को ना हो जाए। अच्छा देखिए, ये कोई सा भी पेन ले लीजिए, जैसे अब जैसे आपने नेब उसके अंदर पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये जो आपके फिंगर है यहाँ पे, आपने इसको कौन सी वाली फिंगर, मतलब मिडिल फिंगर है आपकी। अच्छा, हाँ। इसको जो है ना आपने, ये पॉइंट है आपका, ये आपने इसको इस तरह से प्रेशर देना है। ये 2 मिनट्स भी आप दे लेते हैं किसी भी वक्त घर में, एक दिन में एक बार सिर्फ 2 मिनट्स का प्रेशर देना है। ये आपके जो कंट्रोल करता है, जारी होगी ना वहाँ तक। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं। दूसरा जो है, जैसे बच्चों का प्रेशर नहीं दे रहे या टाइम नहीं है, सिंपल है कि बच्चों में भी होता है या बुजुर्गों में, आपके जो थंब है यहाँ पे आपने इसको इस तरह से ब्लू कलर, दैट्स इट, बस ये कर दें, मार्कर, रोड लगाएं। ये ब्रेन का पॉइंट है। हाँ। तो जो एक आपका खौफ जहन में आता है, स्ट्रेस रहते हैं, ये उसको दूर करेगा। अच्छा, ये 2 चीजें आपने करनी। अच्छा, ये स्ट्रेस कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, कोरोना का हो, बेटे की शादी नहीं हो रही है, नौकरी से निकाल दिया, और भी बहुत सारे स्ट्रेस हैं जिंदगी में, कोई भी स्ट्रेस हो, मियां इधर उधर चले गए, कोई टेंशन है बहुत कि मियां कहां जा रहा है, सबसे बड़ा स्ट्रेस है। तो उसके लिए ना आप ये कर ले, तो वो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, फिर आराम से झगड़ा कर सकते हैं उससे। अच्छा ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो है, आज एक बना रही हूँ वो सैलेड बना रही हूँ, सलाद एक ऐसी कि अब टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा होता। ये अगर आप रूटीन में खा रहे होते हैं तो आपका एक तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, आपको टेस्ट भी आपका डेवलप होगा, और आप अगर महफूज हैं तो आइंदा भी महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। इसमें हमने सलाद पत्ता लिया है। अच्छा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सलाद पत्ता आपने बारीक बारीक काटा, इसमें हम डालेंगे मशरूम्स। अच्छा, मशरूम्स डाले हैं, और जितनी आपको बनानी है अंदाजे से, कोई क्वान्टिटी का इशू नहीं। फ्रूट जो सीजनल है, कोई सा भी फ्रूट है, उसमें आम भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने इस वक्त आड़ू पीस डाला है। खजूर लाजमी डालेंगे। अच्छा, ये तमाम चीजें हैं, ये खजूर डाली है इसमें हम सारी मेरी फेवरेट चीजें डाल रही हैं। अच्छा, इसके अच्छा, और आप सोच भी नहीं सकते आप सैलेड में खजूर डाल के खाएंगे। अभी आपने जो है आपको कोरोना ने कहां से कहां पहुंचा दिया है, सैलेड में खजूर डाल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी होती है, डालनी चाहिए। वही हम लोग डंडे के पी रहे हैं, जब हमारे सर पे पड़ती है ना तभी हमें समझ आती है। आप खजूर डालें, पहले नहीं आती, पाइन एप्पल डालें, ये जरूर डालें। हाँ। अच्छा, इस तरह से आपने गाजर डाल ली, जो जो चीजें आप डालना है, लेकिन खजूर आपका, मशरूम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी डालिएगा। हाँ। और बाकी जिस तरह से भी आप बनाते हैं, और साथ जो है ओरिगैनो जो है पाउडर, मर्जन जोश जिसे हम कहते हैं अपनी जबान में, ओरिगैनो पाउडर। हाँ, तो समझते हैं खाली पिज्जे में ही डलता है, नहीं नहीं डालना, ये लाजमी डालिए आप इसके अंदर, स्प्रिंकल कर दें। ओरिगैनो डालने के बाद इसमें जो है आप टेस्ट के लिए शहद भी डाल सकते हैं। अच्छा। वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और सफ़ेद या काला ज़ीरा आपने लाजमी डालना है, सफ़ेद या काला। अच्छा, इसके अलावा ये आपकी सैलेड तैयार है। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी आपकी सब्ज़ी है या फ्रूट इसके अलावा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी है। इसके साथ साथ आप बीन्स ऐड कर सकते हैं। मैं खा सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, खाना इसको बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यम्मी, मज़े का बहुत। ठीक है, चलें भाई यहाँ आ रहे हैं हम। डॉक्टर, आप ब्रेक पे जाने से पहले किसी चीज़ के बारे में बताइए, हम क्या बात करें। मेरे पास एक सवाल था जो कि सना मक्खी, एक सवाल, क्या सवाल है? एक सवाल ये है कि अब जैसे हम लोग क्योंकि कोरोना रिकवर्ड है, तो क्या हमें ये दोबारा हो सकता है? ये बड़ा मज़े का सवाल है। हो सकता है, अभी तक हुआ तो नहीं किसी को, हम तो इसी खुशी में जी रहे हैं। नहीं, हम कोरोना प्रूफ है, नहीं कोरोना प्रूफ नहीं, बिकॉज अब जो
स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया है कि 2 से 3 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं बॉडी में, रहने दीजिएगा डॉक्टर, फेड हो रही हैं और चांसेस हैं कि री इन्फेक्शन के। एंटीबॉडीज कितने अरसे में डेवलप हो जाती हैं? यूजली 2 to 3 weeks में। 2 to 3 weeks में देखो, एंटीबॉडीज का टेस्ट मत करवाइएगा, वो बिल्कुल आपको ये नहीं बताएगा कि आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। फिर किस चीज़ से होता है, कैसे पता? कुछ भी नहीं, आप बस PCR करवाएं, 10 दिन के बाद जो है वो, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है या आपको 10 दिन हो गए हैं सिम्टम्स को, लास्ट के जो 3 days हैं। हर डॉक्टर अलग बात कर रहा होता, मैं वही टेंशन में और कंफ्यूजन में आ जाती हूं, क्योंकि मैंने तो एंटीबॉडी टेस्ट कराया था, मैंने भी कराया, मियां ने भी कराया, और उसके बगैर तो प्लाज्मा आप डोनेट भी नहीं कर सकते। उसके लिए प्लाज्मा जिनको डोनेट करना है उनके लिए देखा जाता है, ठीक है, इसीलिए उनको रिकवरी का 1 month का टाइम दिया जाता है। जिनकी एंटीबॉडीज डेवलप होती है सिर्फ वही प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, जिनकी डेवलप नहीं होती। यासिर को 1 month का टाइम नहीं दिया? अच्छा, नहीं, वैसे 1 month का टाइम दिया। वो प्लाज्मा लेने वाले डॉक्टर्स हैं, उन्होंने, वो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने, क्या कहते हैं, पैरालॉजिस्ट या क्या क्या कहते हैं वो जो जो लैब में होते हैं, पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, हाँ, उन्होंने उन्होंने कुछ और बताया। उन्होंने कहा कि आप जब रिकवर हो जाते हैं और आपका रिजल्ट, क्योंकि देर से होता है ना, नेगेटिव देर से आ रहा होता है, 14 दिन बाद भी अगर आप टेस्ट करा रहे हो तो कभी कभार पॉजिटिव आता है, फिर आप 20 दिन बाद भी कराते हैं तो पॉजिटिव आता है। वो कहते हैं कि आ भी रहा है पॉजिटिव अगर, तो आप एंटीबॉडी दे सकते हैं 14 दिन बाद, क्योंकि आपके 40 डेज के अंदर अंदर आपका प्लाज्मा बेकार हो जाता है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इसीलिए जो है उन्होंने नहीं कहा ये कि इतने दिनों बाद प्लाज्मा डोनेट, आप रिकवरी के लिए इतना टाइम चाहिए ताकि आपके अंदर एंटीबॉडीज प्रॉपरली डेवलप हो जाए। दूसरा एक और बहुत अहम सवाल, जैसे कि जब हम कोरोना से रिकवर हो गए उसके बाद भी मेरे मियाँ के हाथ और पैर पीले हो रहे थे और वीकनेस थी, तो क्या उसके बाद आप क्या दवाइयाँ रेकमेंड करती हैं? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो रिकवर होने के बाद जनरलाइज वीकनेस के साथ आ रहे हैं, जिसको हम फटिगेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, ये अमूमन तमाम वायरल इन्फेक्शंस के बाद होती है। किसी को अगर डेंगू हुआ तो उसे मालूम है कि डेंगू के बाद उठना मुश्किल होता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन, जिसके बाद पोस्ट इन्फेक्शन फिटिगेबिलिटी। तो जब आप उसके बाद क्या दवाइयाँ रेकमेंड करती हैं? हम लोग कोई खास दवाइयाँ रेकमेंड नहीं कर रहे, हाइड्रेशन है, रेस्ट है, और अगर बहुत ज़्यादा आपको है अपनी डाइट अच्छी रखें, हेल्दी डाइट है, अच्छा, और अगर बहुत ज़्यादा और सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे पेशेंट को दोबारा से कॉफ शुरू हो गई है, सब चीज़ें फिर शुरू हो गई हैं, तो फिर हम लोग जो है वो कुछ पेशेंट्स को स्टीरॉयड्स पे अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, खुदा के वास्ते स्टीरॉयड्स दोबारा स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज़, बिल्कुल, जब तक कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट ना करें, जब तक आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करें, बिकॉज ये दवाई जहाँ पे आपको हेल्प करेगी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। एक चीज़ और बताइए, एक चीज़ और बताइए, प्लाज्मा ले रहे हैं, प्लाज्मा के पूरे पूरे बैग्स ले रहे हैं, क्या एक पेशेंट को कितना प्लाज्मा रिक्वायर्ड होता है? एक पेशेंट को क्वांटिटी एक बैग ही फिलहाल जो है वो लग रहा है। अच्छा, मैं वही मिथ्स जो इस वक्त मार्केट में चल रही है, मैंने सुना था कि जी एक पेशेंट से निकाल लेते हैं एक बैग पूरा, इतना ज़्यादा निकाल लेते हैं और लगता वो 3-4 पेशेंट्स को लग जाता है। ऐसा है, ऐसा मैं बता दूं ना, अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग आपको बातें हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट, आप क्या कहती हैं? बेसिकली आप तो OPD में बैठ रही होती है ना? नहीं नहीं नहीं, तो आप लैब में भी होती हैं? नहीं, मैं लैब में नहीं होती हूँ, लेकिन प्लाज्मा के साथ मेरा डायरेक्ट इतना नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी क्वांटिटी में वो लोग प्लाज्मा के डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं 5 लोगों को, कितने लोगों को लगा रहे हैं, लेकिन जितना बैंक उनके पास होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत कम लोग आगे आ रहे हैं प्लाज्मा देने के लिए, बहुत मोटिवेट करना पड़ता है डॉक्टर। जब से सेलिब्रिटीज़, जैसे मेरे हस्बैंड ने दिया या बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी देना शुरू हुए हैं, और उन्होंने आके बताया कि कोई वीकनेस नहीं थी, तो डॉक्टर्स ने बताया वहाँ पे कि फिर लोग आना शुरू हुए, अब तो लोग आ रहे हैं, हाँ, एक खौफ होता है ना बिलावल जी, लेकिन फिर भी जो है जितने लोग जिस तरह से आने चाहिए उस तरह से नहीं आ रहे, लोग डरते हैं, सच्ची बात तो ये, लोग डरते हैं, ब्लड देने से भी हमारे लोग डर रहे होते हैं, और ब्लड में फिर आपको वीकनेस हो जाती है, ब्लड डोनेट करने में, प्लाज्मा डोनेट करने में वीकनेस एक्चुअली होती नहीं है, क्योंकि वो आपका सिर्फ प्लाज्मा रख लेते हैं, आपके रेड सेल्स और वाइट सेल्स दोबारा आपके बॉडी के अंदर भेज देते हैं, वो बाहर ही नहीं आते, फिल्टर हो जाता है प्लाज्मा, तो इसलिए इतनी नकाहत नहीं होती, क्योंकि यासिर को 1 घंटे में निकाला है उन्होंने, ब्लड तो आप 15-20 मिनट में देके फारिग हो जाते हैं, तो 1 घंटा लगा है उसका प्लाज्मा निकालने में, तो उसके बाद वो खुद ड्राइव करके घर गया।
वरना आप ब्लड देते हैं ना तो आपको थोड़ा जूस थोड़ी सी पिलाना पड़ता है वीकनेस, तो वो नहीं उसको एज सच हुई। सही लोगों की मुझे वो बता दें कि अगर हमें सेकंड अटैक आता है तो क्या हमें अल्लाह ना करे सीवियर आता है या क्या, मतलब देखिए ये कह नहीं सकते कि सीवियर आएगा कि नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है। हाँ मतलब बॉडी बर्दाश्त कर सकती है या नहीं, बॉडी का रिस्पांस हर एक का डिफरेंट होता अभी, है ये अभी ये सब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सब इसको तो पहले में नहीं है। जो लोग आए हैं उनमें से कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें सीवियरिटी ज़्यादा हुई है, लेकिन कुछ ऐसे आए हैं जो कि लाइक प्रीवियस सीवियरिटी के साथ ही थे। तो अभी ऐसे केसेस हैं जिसमें सेकेंड अटैक आया है? अच्छा, री इन्फेक्शन के साथ दो तीन पाकिस्तान में भी केसेस ऐसे हैं। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना पूरी दुनिया में। लेकिन आपको तो सिम्टम्स भी नहीं थे? नहीं, मुझे सिर्फ मेरी बोन्स में हल्का सा पेन था और मुझे दो दिन जरा सा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। वो मुझे वो कह तो रही है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो मुझे नजर आया वो यहाँ से थी शॉर्टनेस। पैनिक अटैक भी हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हर एक के हिसाब से बिल्कुल अलग है। जो डॉक्टर्स के हिसाब से वो ये है कि आप जो हैं वो हांफ रहे हैं, हाँ ठीक है, सांस मुश्किल से आ रहा है और ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी कम हो रही है। जैसे ये बताया था कि इतना हांफना नहीं होता था, लेकिन सडनली ऐसा होता था अगर मैं सो रही हूँ या मैं लेटी भी हूँ तो एकदम नहीं होता जैसे आपको लग रहा है सांस नहीं आती, मैं ऐसे करती थी। एक और चीज होती है, हम लोग अक्सर डाइट पे रहते हैं लेकिन इस वक्त हम खा रहे थे, हमारे मैदे को इतने खाने की आदत भी नहीं है जो हम यहाँ ऊपर तक भर के खा लेते थे ना, और जब हम लेते थे रात को इसीलिए होता था, तो वो इसलिए होता था क्योंकि आप रिफ्लेक्स आपका आता है तो जिसकी वजह से कि आपसे भी आदत नहीं है इतना खाने की और आप उस वक्त दबा के खा रहे हैं, अच्छा लाओ ये भी खा लो वो भी खा लो, ये कुछ और करने को नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे साथ भी ये हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यही होता था क्योंकि मैं इतना दबा के खा रही थी, आम खा रही हूँ ये खा रही हूँ, और उसके बाद पेट भर गया यहाँ तक तो सांस नहीं आ रहा, उड़ गई, अच्छा मैं इधर भाग रही हूँ उधर भाग रही हूँ, पता चला जी इसलिए। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको नेबुलाइज नहीं करते हैं, लेकिन इतनी मिथ्स आ रही थी कि ये कर लें ऐसा। मैंने मेरे मियाँ थे कोरोना पेशेंट और उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी खांसी में, उनको मैंने बाथरूम में बिठा के नेबुलाइज किया, उनको फायदा पहुंचा। देखिए नेबुलाइजेशन का फायदा है मगर इसका प्रॉब्लम ये है कि आप हॉस्पिटल सेटिंग में करें, ठीक है, क्योंकि नेबुलाइजेशन वो स्प्रेड होती है ना, एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर है। एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर मतलब ये कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट उसमें से निकलते हैं जिसके थ्रू वायरस जो है वो औरों को लग सकता है। तो घर में और थे नहीं ना कोई, घर में नेबुलाइज डॉक्टर ने यही कहा था, मैंने यहाँ से बोला तो खुद करोगे बाथरूम बंद करोगे, उस बाथरूम को फिर कोई यूज नहीं करेगा, तो हम 24 घंटे तक बाथरूम को यूज नहीं करते थे, लेकिन उससे उसको फायदा बहुत बिल्कुल फायदा होता है। और हम डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ, डॉक्टर मैं कहती थी अच्छा अकेले करें आप दूर चले जाएं, मतलब लाइक डॉक्टर से कंसल्टेशन के बगैर आप कोई कदम ना उठाएं। बीमारी होती है जैसे लोग बगैर सिम्टम्स के होते हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, बस घर पे आराम करना है। जो माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको सिर्फ अपने सिम्टम्स के हिसाब से खांसी का शरबत ले लिया, बुखार के लिए दवा ले ली, बस अच्छा आप कुछ नहीं करना। और क्या बता रही है, तो सैलेड आपने बता दी जिसमें खजूर भी आपने डाली, ब्रेक भी आ रहा है तो मुझे बता दें कुछ शेक बता रही है। अच्छा शेक का पहले बता दे, शेक का तो ये कि कोई सा भी शेक अगर आप पी रहे हैं, नॉर्मली आप नॉर्मल शेक या जूस, अभी तो मैंगो शेक चल रहा है, शेक पी रहे हैं जूस पी रहे हैं, उसमें आपने करना है कि ये मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा ये लाजमी आपने डालना है और इसको पीना, इसको पीने में कोई मसला नहीं, अगर बड़े हैं तो 1 टीस्पून डालेंगे, अगर बच्चे हैं छोटे हैं 10 साल से कम तो 1/2 टीस्पून डालेंगे। छुपा के दे दें, इसका कोई टेस्ट तो नहीं, कोई टेस्ट नहीं, आप जब मिक्स करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, और ये बेस्ट है हर तरह से, वरना बच्चे नहीं पीते, छुपा के दे अम्माएं। तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बहारो फूल बरसाओ, कोरोना रिकवर्ड पेशेंट आए हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको कहा बहारो फूल बरसाओ, कोरोना रिकवर्ड पेशेंट आए हैं, वाकई ये तो हॉस्पिटल से आए हैं, आपके लिए तो मुझे वाकई फूल बरसाने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं थी और सीरियस की बहुत दुआएं की गई है ना, इस वक्त कोई किसी और चीज़ में इतनी खुशी नहीं मिल रही होती। आप अपने किसी दोस्त अपने फैमिली मेम्बर का सुनते कि यार वो सही हो गए, उनकी तबीयत ठीक हो गई है, तो इस वक्त अच्छी न्यूज़ गुड न्यूज़ जो है वो यही। और मैं आपको बताऊँ बड़ी अजीब सी बात है, मेरा क्लास फेलो है वो एक हॉस्पिटल के MD है, वो हॉस्पिटलाइज हुए, फिर उनका नहीं मैं घर जाके अपना ट्रीटमेंट अपना खुद कर लूँगा, आप यकीन जाने सो सैड ही डाइड,
बिकॉज वो एकदम से ऑक्सीजन, डॉक्टर साहब को पता ही होगा आप घर पे नहीं कर सकते. व्हेन यू आर अंडर, आप लामा ऐसे हम कहते हैं लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, अगर आपको जब तक आपके डॉक्टर्स ना बोलें कि अब आप क्लियर हैं, क्योंकि मैं फिर नॉर्मल डिलक्स रूम में भी रहा दो दिन, यू नो मैंने को रिकवरी, तो ये नहीं होता कि सिर्फ आई सी यू में करके फिर फौरन घर आ गए, उसके बाद भी आपको रिक्यूपरेट करना चाहिए. और जब तक आपके कंसल्टेंट ना कि अब आप क्लियर हैं, तो जल्दी नहीं करना चाहिए कि हमें जल्दी जाना है वापस, हम घर पर कर लेंगे, नहीं हो पाता घर पर. अच्छा आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इमिजिएटली हॉस्पिटल में पता चल जाती हैं, आप उनको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स इवन अगर आप ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट हम लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं. और अब तो ज़्यादातर जो खास तौर पे जो वेंटिलेटर पे पेशेंट जा रहे हैं उनके साथ मोस्टली ये होता है, बल्कि वो पेशेंट जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है, चूँकि ये थोड़ा सा खून को जमा भी रहा है, इसकी वजह से उन लोगों में सडन हार्ट अटैक के और फालिज के इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑलरेडी उनके हार्ट, लंग्स और ब्रेन वगैरह शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से वीक होते हैं, तो उनमें ये इशू बहुत आ रहा है. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि जो हमारे पास ही थे और बिल्कुल डिस्चार्जेबल थे कि हम उनको डिस्चार्ज एक कल तक कर देंगे, एंड सडन एम आई के साथ वो हमारे पेशेंट जो है. अच्छा डॉक्टर देखिए, जैसे हम कह रहे हैं ना हॉस्पिटल चले जाएं, और हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि हमने जमा करके इतना रखा है अपने बुरे वक्त के लिए, मगर जिसमें एकदम पड़ती है, जो जिसका ये होता है कि सैलरी मिलती है, तो वो अपना उसका राशन आता है, सैलरी मिलती है तो उसका घर का किराया, बिजली का बिल निकलता है, कैलकुलेटेड जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके पास एकदम नहीं होता कि ये आफत आएगी और वो जाके हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे. तो ऐसे लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते, एक्सपो सेंटर और भी मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग जगहें बनाई हैं, थोड़ा सा डिनाइल से निकल कर, इस बात से निकल के कि नहीं मुझे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं मैं अस्पताल जाऊंगी तो मुझे जहर का इंजेक्शन लगा देंगे, ये होगा, उससे निकल कर प्लीज जाइए. जैसे एक्सपो सेंटर के बारे में डॉक्टर साहब बता के गए थे कि वो उन्होंने और जगहें बढ़ा दी हैं, उन्होंने वहाँ पे जो है फिर से सीरियस पेशेंट्स के लिए जगह बनाई है. इसके अलावा हमारे जितने जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर्स में जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट्स हैं. मसला ये है ना कि लाइक पैसे नहीं दे पा रहे, एक्सपो सेंटर में पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना. नहीं तो पब्लिक सेक्टर आपको नहीं देना पड़ेगा ना. मैं इसमें ऐड कर दूं, हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल में भी 30% आपको PWA का भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है. बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फाइनेंशियल एड्स आपको मिल रही हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है. हमारे पास खुद मुझे लगता है मुझे एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जहाँ मैं लिस्ट बता सकूँ कौन कौन से शहरों में कहाँ कहाँ इलाज जो है वो ऐसा हो रहा है कि ना होने के बराबर पैसे खर्च. कोरोना का इलाज बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे मेरी जो मेट है उन्होंने मुझे कहा मैं तो नहीं जाऊँगी टेस्ट कराने. मैंने कहा क्यों? कहने वो तो अगर मेरा पॉजिटिव आया तो मुझे तो रख लेंगे और मुझे आने नहीं देंगे. बहुत सारा कॉन्सेप्ट ये भी है. मैंने कहा तो मैं क्या रह गई वहाँ पे? मैंने कहा मैं तो घर आ गई हूँ, मेरा भी तो पॉजिटिव है. ये इस वक्त हमारी ड्यूटी है कि इस वक्त हम अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो जो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हमारे हेल्प हैं उनको हमने समझाना है, हमने उनको एजुकेट करना है. मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन इन किया है फरा सईद ने. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एज डाइटिशियन इस वक्त आपकी तो मांग बढ़ गई है बहुत. पहले तो है ना, पहले तो अगर कोई बीमार आता होगा आप उसको पूरा पर्चा देती होंगी कि भाई आपने ये खाना है घर में, तो वो पर्चा उसके कहीं गुम ही जाता होगा घर जाके. इस वक्त तो आपकी हर वक्त नीड है. इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है वो ये कि हमारी ड्यूटी जब तक आती है तब तक लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके होते हैं. जैसे कि मैं पीछे सुन रही थी कि सना मक्की वन ऑफ द एक हाईलाइटेड एक चीज़ है, फिर बीच एक में इशू है. एक इशू है इसके. पेशेंट्स हमने ER में भी देखे हैं, उसके बाद हमने उनको एज अ क्योंकि वो लैक्सेटिव है और उसका बहुत प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करना क्वांटिटी वाइज भी अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत सारे लोग डायरिया की शिकायत से या एक बीमारी होती है एक्यूट किडनी इंजरी उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं. तो या फिर जैसे तो पूरा पानी निकाल देते हैं. एग्जैक्टली, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाते हैं. फिर जैसे बीच में विटामिन सी सप्लीमेंटेशंस थी तो मार्केट से वो गायब हो गई कि लोगों को लगा कि इसी से ही हमने बचना है. और अभी भी लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनको एक फल एक सब्जी बता दें जिससे वो खा के बिल्कुल बेहतर हो जाए. तो ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है.
कुदरती तौर पे जो भी चीजें आपको आपको अपने आप को बस तैयार करना है कि ये आप खा पी के बैठे हुए हो भाई, जब आए आपको ऊपर वार करने करो ना, तो आप जरा स्ट्रॉन्ग फौजी और आप बैलेंस में लें, मॉडरेशन इज द की, कि आप म्याना रवि चलें, हर चीज आप खाएं पिए जो कुदरती तौर पे, क्योंकि हमारे पास मौसम के भी लिहाज से हर चीज अवेलेबल है, जैसे मैंगो है। अच्छा, और सच्ची बात ये फरा, हमारे यहाँ ना विटामिंस खाने का रिवाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने नहीं देखा कि आप किसी आम बंदे से पूछेंगे आप कोई विटामिन लेते हैं, क्यों हम बीमार है क्या? जी विटामिन खाने का हमारे कोई रिवाज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। याद होगा मैं हमेशा विटामिन दिखाता हूँ अपने पर्चे में, विटामिन जरूर खाएं, फॉलिक एसिड लिख के लाया हुआ होता हूं, फॉलिक एसिड, इवनिंग प्रिमोस, 20% बातें सुनते हैं ये लोग सच्ची में। और ये भी कहते हैं क्यों बुढ़ापा थोड़ी आ गया, बुढ़ापा तो नहीं आया। नहीं, एक कॉन्सेप्ट जो आप बता रही हैं कि अगर हम लोग खा पी के बैठ जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि ये आए हम पे तो हमें कुछ ना हो, ये लोगों को फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देगा कि जी हम तो अच्छी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हमको तो हो नहीं सकता। पहले ही हम लोग नहीं, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि हो नहीं सकता, इतने ज़्यादा नहीं, मैं तो कहती हूँ सबको नहीं कहा, आपने नहीं कहा, लेकिन हम लोगों को आदत है ना कि जो मैसेज है वो बिटवीन द लाइंस हम हमें रीड करने, जैसे ये कहते ना मैं इतनी एहतियात करता हूं मुझे कैसे हो गया। एग्जैक्टली, तो बहुत सारे लोग जैसे खासतौर पे वो हो जाता है, अच्छा उस प्रोग्राम में बताया था ऐसा, खासतौर पे जो टीवी पे चीजें आती हैं, डॉक्टर्स को तो ये कहते हैं कि बोलते ही रहते हैं छोड़े उन्हें, जो सेलिब्रिटीज कह रहे हैं दे आर राइट, ठीक है वो ज्यादा सही कह रहे हैं, उनका असर ज्यादा होता है डॉक्टर्स के, डॉक्टर्स तो आजकल वो पैसे ले रहे हैं मारने के, तो वो बेचारे तो गलत ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, वो बहुत अलार्मिंग लेवल की है हमारे उस पर, कि हमें तो हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी, इवन आप जो बात कर रही थी कि जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को समझाएं बताएं, हमारे पास तो पढ़े लिखे भी बहुत जाहिल आते हैं जो कि आपको आके पूछेंगे कि वाकई हमारे रिश्तेदार को कोरोना है ना, या खाली नंबर बढ़ाने उन्हें समझाना पड़ता है कि देखिए जी, कोरोना जो है उसने नमोनिया किया है। अच्छा, ये कोरोना का नमोनिया ना, नमोनिया का इलाज आप कर रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि जी हम कोरोना का इलाज कर रहे हैं, उसी से ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। एंटीबायोटिक दे रहे हैं, फिर कोरोना में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना। इतनी इंटरनेट पर नॉलेज होने के बावजूद जो है वो लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं, है ही नहीं, जो लेमैन है ये तो आपको पता है, ये तो सारे नंबर लेमैन पूरे करने हैं। एग्जैक्टली, लेमैन को समझाना ज्यादा आसान है, हमारे पास वो जो आते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको समझाएं कि आपके मरीज को ये मसला है, ऐसा ऐसा है, तो उनको ज्यादा बेहतर बात समझ में आ जाती है, एज कम्पेयर टू द जो ज्यादा मतलब मैच्योर और गूगल करके आते हैं, पढ़ी लिखी हमारी एक कॉम है वो ज्यादा बेवकूफ़ वाले हरकतें करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज्यादा बेवकूफ़ वाली हरकतें करती है और ज्यादा ओवर स्मार्ट के उसमें चक्कर में जब वो गड़बड़ करते हैं। हम लोगों को, उन लोगों को जो लेमैन है उनके अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उन लोगों को समझाना जो है, एक बात समझ भी आती है कि नहीं इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अच्छा फरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोरोना फर्ज करें अभी नहीं पहुंचा घर तक, अल्लाह करे पहुंचे भी ना, तो क्या अपना बैलेंस डाइट कैसी रखें? अब हमें वो कहते हैं ना सर पे पड़ी है, तो अब हमें, हम सोच रहे हैं पाए और बिरयानी और निहारी को छोड़ के ये भी देखें कि हमें खाना क्या क्या है। अच्छा, बैलेंस मुराद जो है ना, जैसे हमारे जो फूड ग्रुप्स हैं जिसमें हमारे पास मेन, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी ज़्यादातर डाइट जो है वो चावल, रोटी, yes. ब्रेड इस पर कंसिस्ट करती है, या उस पर हमारी सारी चीज़ें होती हैं। पहला स्टार्ट हम लेते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट जो है वो पहला मील है, और इसका मकसद ही यही है कि आपका जो रात भर की फास्टिंग थी उसको आपने ब्रेक करना है, तो दैट शुड बी एक प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें हम कह सकते हैं कि अंडा। अब अंडा जो है वो बेसिकली लोगों को शुरू के ज़मानों में लगता था कि जिनके घरों में कार्डियो के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट का कोई मसला है, तो जी अंडा तो बंद कर दें क्योंकि जर्दी नहीं अलाउड है। अच्छा, या जी अब हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ दलिया दे सकते हैं। तो एक जैसी चीज़ें ले लेके भी ना बंदा बोर हो जाता है और उगता जाता है। अब की रिसर्चेज में काफ़ी चेंजेस हुए हैं कि हम अंडा पूरा दे सकते हैं और डेली बेसिस पे दे सकते हैं, तो उससे कोई कोलेस्ट्रॉल का लिंक नहीं है, ठीक है, इन एनी फॉर्म, चाहे आप उसको 1 टेबल स्पून ऑमलेट की फॉर्म में देना चाहें, बॉयल, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बॉयल्ड ही फॉर्म देना है। दलिया, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह अगर कोशिश करें कि वो ब्रान हो, जो कि हम ब्राउन जिसको ब्रान फ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो ज्यादा देर के लिए रहते हैं।
दूसरी बात ये कि ब्रेड हमारे वहाँ बहुत सिस्टम की ख़राबी की वजह से भी हम कहते ही हैं कि जी वाइट बेहतर नहीं है या ब्राउन में कलर ज़्यादा मिला हुआ है। आपके पास जो बेसिक अवेलेबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेड भी नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग शायद चक्की वाले आटे की रोटी भी लेते हैं, तो वो भी अलाउ है। हमारे तो पराठे खाते हैं, पराठे हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये कि जो हम दो साइड ऑयल लगाते हैं, तो वी प्रेफर कि हम एक साइड ऑयल लगाएं। अच्छा, देसी घी कोई खराब चीज नहीं है। मैं तो नहीं खाती, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूं। अच्छा, मैं तो बहन कैबेज सूप पी के आई हूँ सुबह। और देसी घी कोई खराब चीज नहीं है, बट मॉडरेशन में अगर आप उसको 1 टेबल स्पून ऑयल यूज भी करें तो वो आपको बेनिफिट देगा। पहले के जमानों से अगर नजर तो नहीं आ रहा कहीं से, वो इसी पे मैं कहने वाली थी, जिनका नजर नहीं आ रहा वो ये कि वो इक्वल अमाउंट फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी कर लेते हैं। अच्छा, आपने कहा अंडा खा लें, ब्राउन फ्लेक्स खा लें। अच्छा देखें, हम ब्राउन फ्लेक्स खा लेंगे हमें समझ आ जाएगी। जो मेरे घर में काम करने वाली बंदी है, जौ का दलिया या गंदम का दलिया कोई सा भी ले सकते हैं। दूध फ्रेश दलिया वालियां नहीं खाई जाएंगे इनसे, मैं आपको बस आप चपाती उसके साथ अंडा चपाती या रात का कोई सालन भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, नाश्ता आप कह रही हैं कि जरा अच्छा वाला अच्छा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है फ्रूट्स और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनकी अगर हम एक ग्रुप में अगर सर्विंग्स की बात करें तो एटलीस्ट 3 to 5 होने ही चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स भी आम खा सकते हैं एक स्मॉल अमाउंट एज पर देयर शुगर्स। उनको सिर्फ हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो जो है फॉरन मील के बाद किसी भी किस्म का कोई फ्रूट ना लें। अच्छा, फॉरन नहीं लें, फॉरन ना लें, एटलीस्ट उनका 1 से 1.5 घंटे या जैसे हम कहते हैं इन बिटवीन या स्नैक के तौर जिनको आप कहें शुगर वगैरह है, जो नॉर्मल है वो ले सकते हैं। 3 to 4 सर्विंग आराम से कोई भी फ्रूट की ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट आई प्रेफर इज कि जैसे अगर एक सेब है तो एट अ टाइम एक सेब या कोई स्मॉल फ्रूट सैलेड आप ले सकते हैं इस तरह की। जैसे हमारे पास आलूचे अभी आए हुए हैं तो वो आप 2 से 3, जामुन है तो 3 to 5 आप ले सकते हैं। अगर आपने चेरीज स्ट्रॉबेरीज लेनी है तो 8 to 10 एट अ टाइम। शुगर वालों की बात करें, आम लोग नॉर्मल लोगों के लिए भी, लेकिन हम लोग हमारा क्या पूरा बाउल हमारा होता है, हम फ्रूट खाते तो ऐसे खाते बस कल मिलना नहीं है, बट खा लो जामुन के मियाना रवि इज द की। यस यस, मॉडरेशन हर चीज, क्योंकि नई भी चीज की ज्यादती होगी वो आपको शायद लोगों को लगता है कि जी अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आज से 10 साल 5 साल के बाद वो चीज जल्दी होगी। अच्छा आगे बढ़े, जब लंच पे आते हैं, लंच में सैलेड मस्ट है हमारी वाली रेसिपी। हमारे सैलेड की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे हिसाब से आधा खीरा भी हो सकता है, 2 सलाद के पत्ते भी हो सकते हैं, कभी कभार कचूमर बन जाए दाल चावल के साथ तो सही है। हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है सैलेड का कोई। कैसी बातें करी, भूख लग जाएगी। हाँ लेकिन ये है कि जो भी अवेलेबिलिटी होती है मार्केट के हिसाब से हमारे तरफ कचूमर भी सही है ना, मतलब बिल्कुल। हाँ। प्याज टमाटर उसमें डलता है, धनिया खीरा है। और प्याज और टमाटर ये खा ले, आप लेमन डाल सकते हैं। मैंने क्या तरीका निकाला है, मैंने मैं सैलेड लवर नहीं हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने प्रोटीन शेक के अंदर पालक और खीरा एक सेब, एक्चुअली सैलेड उंडेलती हूँ उसमें ब्लेंड करती हूँ और पी जाती हूँ। हाँ सही है भाई, तो उसका वो मैंने अभी भी नहीं निकाला। धचका लगा है आपको तब से हुआ या पहले से? नहीं पहले, नहीं पहले। चलो शुक्र, तभी आप ये ज्यादा सिम्टम्स। अच्छा जी, और विनेगर का आप सैलेड में यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट एनहांसर। आपको जरूरी नहीं कि आप ऑलिव ऑयल्स और कोई मायोनीज। अच्छा सैलेड के साथ और क्या क्या लें, ये भी तो दाल सब्जी जो भी घर का आइटम होता है वो नॉर्मली आप चपाती के साथ, चपाती चावल भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स उनको एक्सप्लेन करते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। अदरवाइज आप एक प्लेट एक कप आप आराम से अपने हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, और वी यूजली प्रेफर कि आप सैलेड अगर पहले ले लेते हैं तो आपकी एपेटाइट वैसे ही आपका स्टमक फुल होता चला जाता है। अगर हमने सुबह फ्रूट लिया है तो हम दोपहर में भी फ्रूट ले सकते हैं, शाम के टाइम पे ले सकते हैं। टाइमिंग्स हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि 10 बजे से पहले पहले आपका नाश्ता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ऐसे आते हैं जो कि रात में 3 बजे सो के सुबह 12 बजे उठे, जी नाश्ता वही टाइम पे, और पूरी साइकिल रात में 11 बजे जी खाना और है। अच्छा, वहाँ पे टाइम का बहुत टाइम का रोल है, नहीं तो 12 बजे खाना खा के सो भी तो 3 बजे रहे। लेकिन वहाँ पे फर्क ये आता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और बॉडी अपना काम अपने टाइम के हिसाब से कर रही होती है। साइकिल से निकलेंगे तो हमें तो ये लग रहा है कि हम 8-9 घंटे सो के उठे हैं बट हम फ्रेश नहीं होते हैं, ज्यादातर हेडेक और इन सभी कंप्लेन रहती है। तो आपका जो लास्ट मील है, जो डिनर है आपका, वो एटलीस्ट बाय 9 और 8:30 तक हो जाना चाहिए। उसके बाद जिनको लोगों को ये लगता है कि हमें रात
रात में शायद नींद ना आए भूख की वजह से, तो वो फिर बेड टाइम पे एक कप दूध या आधा कप दूध या कुछ टाइम पे कोई ऐसी स्नैक्स के तौर पे रात को ऐसे जल्दी खा के और सो जाए तो खाब भी खाने के आता है। सीरियसली खाब भी खाने का आता है क्या है पेट में? मेरे मियाँ तो अक्सर आधी रात को उठ जाते थे जब डाइट कर रहे होते थे, निदा मुझे पता है खाब आया कि मैं फ्रिज खोल रहा हूँ मुझे खाना नहीं मिलता, मैं इधर भाग रहा हूँ भूख लग रही है और मैं इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ। मैं सदर का बताऊँ क्या करती है सदर? सदर जब अपनी रूटीन सही कर रही होती है ना कि यार बस अब रूटीन सही है, मैं सुबह उठूंगी फजर के टाइम पे और ये सारी चीज़ें करूँगी, तो जल्दी खा के सारी चीज़ें पैकअप करके सो जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा मम्मा रात में उठेंगी पर हमारी जो चीज़ रखी है वो सब खा जाएंगी, तो क्या करें छुपा दें? मैंने कहा बेटा जहाँ छुपाओगे वहाँ से भी निकाल लेंगी, क्या फायदा सामने रख दो। छुपा दो ताकि मुझे मिले ना। न्यूटेला छुपा देते हैं वो अपना चीज़ अपना सदर बैठ के रात में खा रही होती है वो। हम लोग 8-9 बजे के बीच में, 7 से 8:30 के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। आप लोगों की ना? आप लोगों का। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स का भी सबका है ना, जाती नहीं तो व्हेन हम लोग मेरे मदर हाउसवाइफ है टोटल हमारी जो फैमिली है उनका शुरू से ये है। घर में जो रिवाज बनाया है 1 से 2 बजे के बीच में हमारा लंच हो जाता है और 8:30 से ले 9 बजे के बीच में हमारा डिनर हो जाता है। एग्जैक्टली हमारी अम्मी अब्बू का भी यही रूटीन है, सेम यही रूटीन है रहता है उनका। वो सुबह उठ जाती हैं, वो सुबह नाश्ता कर लेते हैं, उनका पर्टिकुलर टाइम है, दोपहर में पर्टिकुलर टाइम है। मैंने कहा आप लोगों को पर्टिकुलर टाइम पे भूख लग जाती है या उस पे? अम्मी कहती है हमारा बना हुआ है सालों से, हम इसी तरीके से खाते हैं और अम्मी सो भी जल्दी जाती है। बेसिकली आप अगर कहेंगे ना ये जो कोरोना आपको कुछ सिखा के गया तो एक तो डिसिप्लिन से खा के गया, बिल्कुल हेल्दी ईटिंग के क्या खाना है क्या नहीं। पहले हम कहाँ पूछ रहे होते थे इसमें क्या वाइटामिन है इसमें क्या है, अब मेरे पास सवाल ही यही आ रहे होते हैं फेसबुक पे सुने, मतलब लाइक मेरे पर्सनल इंस्टा पे मैसेज आते हैं जैसे मुझे लगता है ऐसे सवाल करें। मैं डॉक्टर हूँ भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट्स को बुलाती हूँ, मुझसे पूछ रहे थे हम कौन सी दवाई लें, हम क्या खाएं दोपहर के खाने में, हम रात के खाने में क्या दिक्कत है। तो रिश्ता कराने वाली से मैं आप इतनी इंटरव्यू और इतनी बातें करके निदा मतलब तुम आधी डॉक्टर तो हो गई हो ट्रस्ट करते हैं ना आप पर। यही नहीं हमें सिखाया बल्कि हम जो इंफेक्शन डिजीज वाले हैं वो बहुत अरसे से इंफेक्शन कंट्रोल पे बहुत जोर देते थे जी जी कि हैंड हाइजीन होनी चाहिए बिटवीन द पेशेंट्स, आप ग्लव्स पहने, आप गाउन पहने अगर कोई पेशेंट ऐसा। अरे बहुत सारे लोग बाथरूम से निकल के हाथ नहीं धोते, ठीक है, कहते शेरों ने भी कभी हाथ और मुंह धोया है, ये तो आप क्या बात करती हैं। अब ये कम से कम सिखा दिया उसने कि अब लोग जो है वो हॉस्पिटल के अंदर हैंड हाइजीन करने लगे, बिल्कुल एटलीस्ट हम हमारे लिए जो मेडिकल साइड से जो चीज़ हम लोग इतने साल से एम्फसाइज कर रहे हैं सुधरे हैं हम लोग, कुछ सुधरे हैं अब पता नहीं कितनी देर तक ये सुधराव रहता है, कुछ देर तक कितनी देर तक ये सुधराव रहता है ये कुछ नहीं कह सकते। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डॉक्टर मेराहिल से भी कुछ पूछेंगे हेल्दी डाइट के बारे में, फरा आपसे भी पूछेंगे और तुम लोगों को फिर से मुबारकबाद दूंगी बाहर फूल बरसाओ, कोरोना रिकवर्ड पेशेंट आए हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं जो प्रोग्राम का फॉर्मेट चल रहा है उससे हट के कुछ कहना चाह रही हूँ। अभी तक मैंने कभी भी मिली गोल्ड परचेज प्लान वाले जो विनर हैं उनकी कॉल नहीं ली, आज पहली दफ़ा मैं जो विनर हैं जिनको जिन्होंने 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस जीता है उनसे मैं बात करना चाह रही हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाह रही हूँ पर्सनली। कौन है हमारी कॉलर? तलत। तलत बहुत बहुत मुबारक हो, आप नई कुरानदाजी के जरिए जीत लिया है 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। बहुत शुक्रिया तलत, खुशी हो रही है? जी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और अल्लाह ताला आपको आपके मियाँ को बहुत सारी जिंदगी दे। मेरे मियाँ? अच्छा अच्छा, मैंने कहा है मेरे मियाँ ने थोड़ी दिखता है भाई। अच्छा, अल्लाह ताला उनको बहुत सारी जिंदगी दे और आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जो मैंने प्रोग्राम देखा तो फिर मैंने ये जो है ना गोल्ड का प्लान लिया आपने और वहाँ जाके मैंने लिया और फिर अल्लाह ताला ने मुझको इतना कर्म किया। वाह भाई, लकी हैं आप, माशाल्लाह है ना, लकी हैं तो है। शौकीन है गोल्ड की? शौकीन है ये आप मुझे ये बताएं कि कौन सी औरत है जो गोल्ड नहीं पहनती? मैं तो अब ये है कि मैं अपनी बेटी के लिए रखूंगी, मेरी बेटी ने माशाल्लाह मैं उसके लिए भी देख रही थी रिश्ते वगैरह अगर अब हो जाता है तो ये मेरी बेटी के काम आएगा। अरे वाह जबरदस्त, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो लोग कहते हैं ना कि ये सब फेथ होता है ये सब अपने लोगों को इनाम वगैरह देते हैं, मैं कहती हूँ नहीं बिल्कुल नहीं है। निदा का शो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फौरन गई वहाँ से मैंने ये जब खरीदा तो मेरा यही था शायद नाम निकले, लोग कहते हैं ये अपनों का निकालते हैं लेकिन खुदा का शुक्र है
कि जी मेरा इनाम निकला है। अब आपको बस नेक्स्ट कॉल आएगी, नेक्स्ट कॉल आएगी एयर वाई गोल्ड से, और वहाँ इंशाल्लाह फिर आप वो आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर अपने खानदान में बता दीजिएगा कि ये चीज है। मैं अपने खानदान को गया, मैंने अपने सब बहनों को सबको बताया कि ये चीज लो, ये बहुत अच्छी है, ये आपके लिए आपके बच्चों के काम आएगी। बहुत बहुत मुबारक। बेटियों वालों को तो लाजमी लेना चाहिए, है ना? बेटियों वालियों को लाजमी ये चीज लेनी चाहिए। चले मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक तलत, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इंजॉय करें अपना 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। गुड मॉर्निंग जी। नेक्स्ट कॉलर मैं को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, उनको कॉल करके हम अभी बात करेंगे। एस आर वाई गोल्ड कंसल्टेंट, आज मैंने पहली दफा प्रोग्राम में इस चीज का जिक्र किया है, सेल्फ रिलायंट यूथ गोल्ड कंसल्टेंट, जो ए आर वाई ने एक इनिशिएटिव लिया है। जो घर बैठे हुए लोग हैं, जो इस वक्त कहीं जॉब पे नहीं जा रहे, वो घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, गोल्ड कंसल्टेंट बन सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जिन्होंने एक महीने पहले रजिस्टर कराया था, उनमें से हमने कुरान दाजी की, और हमारे विनर हैं जी मिसेज आयान। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको, फिर मिसेज आयान से आपकी बात करवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये चीज़ भी रिलायबल है और आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आइए देखिए वीडियो। बैठे अपने कारोबार का आगाज कीजिए, ARY SRY प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराएं, ट्रेनिंग हासिल करें और बन जाएं ARY गोल्ड कंसल्टेंट, और ज्यादा से ज्यादा आमदनी हासिल करें। रजिस्ट्रेशन और तफसीलात के लिए अभी विजिट करें www.sahulatwallet.com/SRY या हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेज आयान, बहुत बहुत मुबारक। जीत गई हैं आप आज का 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जो एस आर वाई गोल्ड कंसल्टेंट के लिए था। बहुत खुश हूँ आपका शो रोज देखती हूँ, मैं शुक्रिया। हाँ जी मैंने एस आर वाई का गोल्ड का कार्ड लिया, मैंने मेरी भाई जी ने मुझे दिया और मैंने अभी खरीदा, मेरा इनाम निकल आया, मैं बहुत खुश हूँ, ए आर वाई की शुक्र गुजार हूँ। अच्छा अच्छा आप कह रही हैं कि बहुत खुश हूँ मैं, और अच्छा ये कौन गोल्ड कंसल्टेंट बनेगा, कौन आप, आपकी बेटी? मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है भाई, पूरी ट्रेनिंग होगी और आपको पूरा काउंसलिंग आपकी होगी, और ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी बेटी की अगर आप उनको इसमें एस आर वाई गोल्ड कंसल्टेंट बनाएंगी तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी ज्वेलरी का ये पीस इंशाल्लाह मिलेगा। नेक्स्ट कॉल ए आर वाई से आएगी आपको, ए आर वाई गोल्ड से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं और एक बड़े वो कहते हैं इस वक्त ये हॉट टॉपिक है, करंट टॉपिक है ना, इस वक्त कपड़े ना ब्यूटी ना मेकअप ना फलाना ना ढमाका, किसी को किसी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इस चीज़ से इंटरेस्ट है हम कैसे अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बिल्कुल कैसे इम्यून सिस्टम बूस्ट करें ताकि हमें वो तकलीफ़ें बर्दाश्त ना करनी पड़ें जैसे कि यहाँ डॉक्टर काशिफ ने की, और ये बाकायदा कोरोना सर्वाइवर हैं। हम लोग तो ग्रेवी में थे, हम लोग अल्लाह मियाँ ने करम किया कि अल्लाह ने करम किया, बाकी काफ़ी बचत हमारी रही, बच्चे भी तुम्हारे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहे। लेकिन जो है वो वाकई जैसे मैंने प्रोमो दिखाया था एक शुरू में कि वो फुल ढोल ढाबे बजाए जा रहे हैं, तो आपके लिए मुझे वाकई ढोल रखने चाहिए थे प्रोग्राम में। तो वो ये एक बहुत सच्ची में वो जब आप मौत के इतने करीब से होके आते ना, आपको वैल्यू पता चल जाती है जिंदगी की, कि कोई पैसा कोई जमीन कोई चीज कोई काम मायने नहीं रखता अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी। एक और चीज होती है कि आप सही जगह पर हो, ये मैं सबको कहता हूँ कि आप फॉरेन हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें, इस पे हेजिटेटिंग करें। जो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि हम बहुत से हॉस्पिटल के नाम बता सकते हैं, एक्सपो सेंटर है, मुर्शिद हॉस्पिटल है, कि आप इनसे कांटेक्ट में रहें, कि खुदा ना खास्ता जरूरत हो तो इसको एक ऑप्शन में रखें हम, ये बहुत जरूरी है। और साथ में ना मैं आवाम से ही कहना चाहूंगी कि प्लीज ना किसी की दिल आजारी ना करें, किसी को नेगेटिव कॉमेंट ना करें, कौन किस वक्त है किस वक्त चला जाएगा यू नेवर नो, बी पॉजिटिव, यूट्यूब इंटरनेट ये चीज नेगेटिविटी का समंदर बन चुका, बिल्कुल ऐसा ही सुधर जाए, सुधर जाए, है ना? डॉक्टर्स के लिए सेलिब्रिटीज के लिए बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिसके साथ ये कि चले जी वो आप लोग, लेकिन डॉक्टर्स के साथ तो ये जो है कि
एटलीस्ट आपको ये ब्लेम तो नहीं आता ना कि आप लोगों को मार रहे हैं हम पे तो ये ब्लेम आता है हम पे ये ब्लेम आता है ना हम पैसे ले रहे हैं मसला ये हम पे भी आता आ रहा है ना कि हम मारने के पैसे ले रहे हैं इस हिसाब से तो मैं बिल गेट्स से भी ज्यादा हम लोग अमीर हैं मैंने मैंने सवाल किया कुछ लोगों से मैंने कहा जहाँ से पैसे मिल रहे हैं उनका पता बता दो मैं जाता हूँ देखिए WHO के पास खुद अपने सर्वाइवल के लिए वो मतलब फंडेड उस पे है हाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि वो बेचारा पाकिस्तान का लोग मारने के पैसे क्यों देगा अच्छा अब मैं आ जाती हूँ मरने मराने की बातें बहुत हो गई हैं अब हम जरा जिंदा रहने के लिए जीने के लिए हमें अकलमंदी से अगर जीने के लिए जी तो सब लेते हैं अकलमंदी से जीते कम लोग हैं और इसलिए हमें कोरोना जो है वो डाइवर्ट कर गया है कि अब जिए तो अकलमंदी से जिए तो वो अकलमंदी ज़रा हमें थोड़ी सी फराम कर दें अच्छा जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई लेकिन हम रूटीन में जो है डिफरेंट कहवे वगैरह पी रहे हैं लेकिन आज मैं दो डिफरेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ ग्रीन टी और ग्रीन कॉफ़ी ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ रखता है इसमें अच्छा इसका ये है कि नॉर्मल कॉफ़ी से नॉर्मल टी से बहुत सारे लोग घबराते हैं कि नींद भाग जाती है कैफीन बहुत होता है इन दोनों में कैफीन की मकदार बहुत कम होती है अच्छा ग्रीन टी और ग्रीन कॉफ़ी लेकिन थोड़ा डिफरेंट अंदाज से बनाया क्या है अगर आप देख रहे हो तो ये ग्रीन कॉफ़ी के अंदर मैंने लौंग डाली हुई है अच्छा जब आप ग्रीन कॉफी तैयार करेंगे उसमें 3 से 4 लौंगे डाल दें ये आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा आपको डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से और वायरस से बचाएगा टाइम क्या है ये पीने का दिन में 2 कप ग्रीन कॉफी जो है अगर आप बहुत सारी चीजों से बचने के लिए पीना चाहते हैं ग्रीन कॉफी का टेस्ट ब्लैक कॉफी जैसा होता है ना ये बहुत रिफ्रेशिंग होती है बहुत ही मजे की होती है बच्चे भी पी सकते हैं अच्छा मतलब ये एक तो कैफीन नहीं है बहुत ही जरा जो ग्रीन टी है रात को पिए ग्रीन टी देखिए अगर आप ग्रीन कॉफी पी रहे हैं तो 2 कप आप दिन में आराम से पी सकते हैं एक नॉर्मल आदमी अगर वेट के अलावा अगर पी रहे हैं आप किसी भी तरह की बीमारी से फाइट करने के लिए और अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए बट इसमें मैंने सिर्फ ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा जो है क्लोव्स लौंगे डाल दिए अच्छा लौंगे डाल ताकि उसका रिजल्ट ग्रीन टी में भी आपने ऐसे ही किया अच्छा ग्रीन टी में मैंने डाली है सौंफ सौंफ डाल दी ग्रीन टी का आपने बनाना है इसके अंदर थोड़े से आपने जिंजर अदरक डाली है और सौंफ डालनी है और इसको भी आप 2 से 3 कप आप रोजाना पी सकते हैं अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 कप देंगे लेकिन थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा और इसकी अफादियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी नॉर्मल आप पी रहे होते हैं लेमन डाल के लेकिन आप उसमें सौंफ डाल दें और अदरक डाल दें तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा अच्छा यहाँ फरा मैं आपसे पूछना चाहूंगी हमजा फरा की तरफ जाएं हाँ फरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खाने की चीज़ें शामिल नहीं करते एक ओवरऑल जनरली मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए एक बैलेंस डाइट के लिए उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपने तमाम सब्जियां तमाम फल खाने हैं हाँ। आपको कुदरती तौर पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं चाहे वो हम कहें कि जी दलिया है डबल रोटी है चपाती है वो सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिस कलर की भी ऐड करना चाहें वो आप कलर्स कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर भी पड़े हुए हैं कलरफुल सारे मल्टी वाइटमिन एंटी ऑक्सीडेंट्स हर चीज़ इसमें शामिल है तो आपको कोई अलग से चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रूट्स फ्रूट गोश्त पहले कुछ लोग होते हैं हम बड़े का गोश्त नहीं खाएंगे अब तो सारी साइंटिफिक चीज़ें पीछे ही रह गई हैं अब हाँ। तो हम लीन मीट हर एक कोई अलाउ करवा देते हैं चाहे वो और फिजिकल एक्टिविटी उसके साथ है जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात हुई ना तो वो कोई एक एसिड नहीं है एक कोई फूड आइटम नहीं है उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेस को भी कम करना है एंजाइटी लेवल को भी कम करना है फिजिकल एक्टिविटी को ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं हेल्दी लाइफस्टाइल में कोई एक आइटम इसमें स्पेसिफिक नहीं है डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जितने भी हमारे कोविड के पेशेंट्स हैं उनका सबसे पहले सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल चला जाता है तो पानी का टेस्ट भी बहुत ख़राब लगता है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि लेमन डाल के आपने नॉर्मल एक लीमू पानी ले लिया ताकि हाइड्रेशन लेवल सही रहे पानी की मकदार अपने हम जो हिसाब लगाते हैं वो एटलीस्ट 8 से 10 glasses या 12 glasses लगाते हैं कोई और रिस्ट्रिक्शंस ना हो एक नॉर्मल बंदे के लिए ठीक है और टाइमिंग्स का जैसे मैंने पहले भी कहा वो मैं आपको कहूंगी कि वो आपने रूटीन जैसे डिसिप्लिन लाइफ होती है उस पे जरा वापस आइए और पॉजिटिव एनर्जी आप जितनी लेंगे वो आप इन सब चीज़ों से जल्दी निकल पाएंगे हाँ वो सोशल मीडिया जिस पे आप बकवासें हो रही हैं वो बंद कर दें आपका इंस्टा अगर पब्लिक है तो वो कमेंट्स बंद कर और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी लोग इससे पहले कोई डाइटिंग या कोई एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे थे तो इस टाइम पीरियड में किसी भी किस्म की डाइट या कोई इस तरह के वेट लॉस रिजीम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है सुने डॉक्टर मैं कर रही हूँ अब सही होने के बाद क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई थी भाई मुझे भी शर्म आती है मोटे होकर ना मतलब लेकिन ये कि आप हेल्दी वो चीज़ें रहेंगे क्योंकि हम एक इंग्रेडिएंट
भी अपनी डाइट से मिस करते हैं, जैसे कि कीटोजेनिक डाइट बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे थे? नहीं, मैं तो कैबेज सूप डाइट करी हूँ, एक दिन फ्रूट खाती हूँ कैबेज सूप के साथ, एक दिन वेजिटेबल खाती हूँ, मैं बताऊँगी बाद में आप लोगों को, तो वजन भी कम हो रहा है उससे मेरा। खुदा हाफिज़, यही था हमारा आज का प्रोग्राम, और ये ना करें आप ना डाइट करना शुरू कर दीजिए, आपने कौन सा टी वी पर आना है, आप अपना हेल्दी खाते रहें। तो खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सदफ़, उमेर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का, डॉक्टर काशिफ, थैंक यू डॉक्टर साहिबा, और आप दोनों का भी। तो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मंडे को मिलेंगे एक मज़ेदार प्रोग्राम के साथ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक प्रोग्राम ले जाऊँ एंटरटेनमेंट की तरफ, कि आप भूल जाएँ कि कोरोना आया हुआ है, लेकिन फिर दूसरे दिन ही मुझे याद दिलाना होता है कि इतना भी ना भूलें, अभी इतना ना भूलें, याद रहें कि हम किस वक्त से गुजर रहे हैं। तो ये मिक्स एंड मैच में करती रहूँगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफ़िज़।